मैं उसे जानती हूं उसका एक ही मकसद रहा है ब्रह्मांड की तबाही और अगर सारे अनंतमणि उसके हाथ लग जाए तो फिर वो ये आसानी से कर देगा नाम क्या बताया उसका तुम जानते नहीं मैं कौन हूं यहाँ आ रहा है इस मणि की तलाश में लोग कब तक हमारी गलतियों की सजा भुगतेंगे क्या हम इसी के लिए नहीं लड़ते कि लड़ाई खत्म हो और हम घर जा सके उसकी यही कमजोरी हमारी ताकत बनेगी हमें ही उसे रोकना होगा जो भी हो जैसे भी हो धमाका हम करेंगे। माफ करना टोनी अगर हालात बुरे हों तो मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता हम्म, तुम्हारा प्लान सुना मैंने अच्छा लग रहा है पर बकवास है इसे प्लानिंग मुझ पे छोड़ दो तभी ये प्लान सही होगा समझे वाह बेटा मिस्टर स्टार्क आज तुम्हारी बची बुची जिंदगी का पहला दिन है तुम्हारी मौत आ चुकी है हाँ, तब तो तुम नाकाम रहे <laughs> और यही मौत एक नई दुनिया को जिंदगी देगी हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम ही अपनी रक्षा कर सकते हैं तो बस होश और जोश लिए दुनिया को बचाने तो उठो और फिर जाओ हम सबका बच पाना तो नामुमकिन है मैं पीटर हूं डॉक्टर स्ट्रेंज ओह, oh. डॉक्टर भी जादूगर भी तो मैं स्पाइडर और मैन दोनों हूं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खरी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से निकलकर बिग स्क्रीन पर जब ये अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है अवेंजर इन्फिनिटी वार में तो इस बार सुपर हीरोज़ की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपर हीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊँचा कर दिया है इतनी अपेक्षाएँ कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को, को भरपूर मनोरंजन देते हैं ये जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के बिलन का दमदार होना जरूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं

उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडरमैन हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी नहीं जाएगी। इतने सारे सुपर के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार

क्रिस हैमर्स मार्क राफेलो क्रिस ओवानस स्कारलेट जोहसन जोस बर्लिन टाम हाल जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं अवेंजर एवेंजर वार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा थोड़ा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थे से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है की एवेंजर्स इन्फिंटिवार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है

है हाँ इस फिल्म में आपके सभी ही सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपर हीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंध थानोस की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर भी में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली एवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही एवेंजर पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटों से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे अवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकांटा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और राकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानों से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इनमें इन से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो के एंट्री के साथ हाल में सीटिया बज रही थी थानोज से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा बिल्कुल पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटी वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफिनटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट त्रण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताक़त है थानोज को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतज़ार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपर हीरो कमजोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमडन और लोकी को मार गिराया है जहाँ तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म ट्रेडर एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई एम टिकटों के दाम करीब पाँच सौ रुपये से एक हज़ार रुपये के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में यह कीमत सात सौ रुपये से आठ सौ रुपये के बीच थे वीकेंड की सारी टिकटें बिक चुकी थी अवेंजर्स इन्फिंटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही थनोज जैसा खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे ख़त्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाको चन्ने चबाने के लिए मजबूर कर देता है लगभग एक दशक की मेहनत का नतीजा है अवंजस इन्फिनटीवार अवंजस इन्फिनटीवार में सुपर हीरो के दीवानों के लिए हर वाह मसाला मौजूद है जो उन्हें उनका फैन बनने के लिए मजबूर करता है फिर इस बार सिर्फ एक या दो या तीन नहीं बल्कि ढेर सारे सुपर हीरो हैं अवेंजर की टीम से लेकर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस तक की टीम और कई सारे सुपर हीरो जो शायद कभी छोटे मोटे सीन में दिखे हैं थार का घर तबाह हो चुका है थार और उसका भाई लकी के पास ताकत नहीं बची है उधर से थानोस का कहर जारी है वह महाशक्तिशाली बनने के लिए इन्फिनटी स्टोन्स चाहता है ये इन्फिनटी स्टोन्स है जो ब्रह्मांड में अलग अलग ठिकानों पर है थानोस का इरादा इस दुनिया की आधी आबादी का खात्मा है लेकिन इसकी इस राह में रोड़े सुपर हीरो हैं थानोस के खिलाफ जंग अलग अलग ठिकानों पर चल रही है अलग अलग सुपर हीरो टकराते हैं लेकिन थानोस को रोक पाना इतना आसान नहीं है कई सुपर हीरो इस बार खतरे से भी नजर आएंगे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने सारे सुपर हीरो को संजोकर फिल्म को यादगार बनाने का काम किया है इस चक्कर में कहानी थोड़ी छितर जाती है लेकिन सुपर हीरो मजा दिलाते रहते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज़ की उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्में देख, देखने से मज़ा दोगुना हो जाता है डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को कहने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है जहाँ तीन चार सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है वहाँ इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं वह ताजुब की बात है फिर हॉलीवुड में तो दो टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते लेकिन अवेंजर्स इन्फेंटी वार में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार का मौजूद है ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी अवेंजर्स सीरीज का भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा और आंकड़ा हंड्रेड करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है तो ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें जबरदस्त हैं कई फिल्मों को देखने का मजा हाल में बैठे दर्शकों के मोड पर भी निर्भर करता है एवंजर्स इन्फेंटिवार भी एक ऐसी ही फिल्म है एक बार इसे देखने तो जाइए पर्दों के दोनों और किरदारों का फौज नजर ना आए तो कहिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री पर जितनी तालियां बजती हैं उसे दोगुनी तालियां ब्लैक पैंथर की एंट्री पर उनके फैंस बजाते हैं मनो दोनों गुटों में कोई होट चल रही हो आप जितना फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं उतना ही है इस माहौल का हाँ तो दोस्तों खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन हल्का और उनके बाकी एवेंजर्स भाई बंधु पर ऐसा तो तभी होता है जब बिलन इतना दमदार हो कि उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी एक सुपर हीरो की शक्ति काफ़ी ना हो इस बार यह बिलन सामने आया है थानोस के रूम में इतने सारे सुपर हीरोज़ को एक साथ पर्दे पर देखना हमारे लिए भले ही करिश्माई हो निर्देशन के नज़रिए से यह यकीन चुनौती भरा रहा होगा इसे किसी सुपर हीरो के सामना इंसाफी ना हो पाए हर किसी की मौजूदगी भले ही लंबी ना हो पर इतनी जरूर हो कि वह बेवजह ना लगे निर्देशक जोड़ी एंथनी रोसो और जो रोसो ने यह काम बाखूबी किया है फिल्म शुरू होती है थार लोकी और हल्क की बिलन थैनोस के साथ एक जोरदार भिड़ के साथ जब ये तीनों महारथी मिलकर भी थैनोस को हरा नहीं पाते हैं तभी यह जाहिर हो जाता है कि इतने सारे सुपर हीरोज की फौज इकट्ठा करने की नौबत क्यों आई थानोस का मकसद है कुछ विशेष चमत्कारिक रत्नों को इकट्ठा करना ताकि उसकी शक्ति में छाबा हो सके वह ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए आधे प्राणियों का खात्मा कर देना चाहता है इन्हीं रत्नों की तलाश में वह एक एक कर उन सभी अंजर से भिड़ता है जिनके पास ये रत्न है कहानी में फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदार स्टार लॉर्ड रॉकेट गैमोरा ग्रूट मैंटिस नेब्यूला और ड्रैक्स भी हैं फिल्म में एक्शन के अलावा कॉमेडी और भावनाओं का भी अच्छा संतुलन बनाया गया है हिंदी में डब संस्कृत के कई संवाद बेहद मजेदार हैं एक दृश्य में जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के किरदारों की शीशे पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक शरीर आकर गिरता है तो राकेट तुरंत चिल्लाता है ए वाइपर मार जल्दी अगर भावात्मक पक्ष की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के बीच के संवाद उनका पहले विरोधाभाषी और फिर एकमत होना चौंकाता है इसी तरह यह रहस्य उद्यान की कोमोरा दरअसल थानोस की बेटी है और फिर उनके बीच के घटनाक्रम भी प्रभावित करते हैं फिल्म दर्शकों के मन में हजारों सवाल खड़े करते हुए ख़त्म हो जाती है और पता लगता है कि इसके आगे की कहानी अगले साल देखने को मिलेगी यानी श्रृंखला की, की अगली फिल्म में कुछ किरदारों को कम समय के लिए दिखाया गया है कुछ को ज़्यादा समय के लिए इसके इससे किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ढाई घंटे में इतने किरदार दिखाना आसान नहीं था आखिर सबसे बड़ा किरदार तो कहानी ही है एक्टिंग के लिहाज से सभी का काम अच्छा रहा खासतौर पर रॉबर्ट डाउनी क्रिस हैमवर्थ मार्क रफेलो जो अल्डाना और जॉर्ज ब्रालिन का फिल्म के स्पेशल इफेक्ट काफ़ी प्रभावी है और साथ ही इसका पार संगीत भी थ्री के इफेक्ट के साथ फिल्म बेहद ज़बरदस्त लगती है मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो शुक्रवार को आखिरकार ख़त्म हो गया था इस फिल्म में बड़े सुपर हीरो को दिखाया गया है इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं दिखाए गए हैं इसके अलावा थानो जैसा खतरनाक और ताकतवर विलन फिल्म को और भी रोमांच बनाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का एक दशक की मेहनत का नतीजा है फिल्म में वह सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफ़ी हैं फिल्म की कहानी पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थानो से मुकाबला करने का फैसला करते हैं क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है वह करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोज को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज की एक उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पेंथर जैसी फिल्में पहले से देख लें अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस फिल्म को देखने का आपका मजा दोगुना हो जाएगा फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को बयां करने की कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और साथ ही सभी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दिए हैं फिल्म पूरे ढाई घंटे दर्शकों को अपने साथ बांधे रखने में कामयाब है फिल्म में एकमात्र बिलंथ हनोज की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है अगर आपने अवेंजर सीरीज़ की फिल्में देखी हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें अवेंजर्स इन्फेंटिव वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है और यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी है पहले मैं प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के 1500 1500 साथ, साथ चले थे इस फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियो ने काफी भारी भर का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फिली की तरफ की तारीफ की जानी चाहिए अवेंजर से इन्फिनिटी वार के ट्रेलर का डायलॉग ही इस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म का सार है इन्फिटी वार मार्बल सिनोमेटिक स्टूडियो की उन्नीसवीं और एवेंजर सीरीज की तीसरी फिल्म है इस फिल्म के साथ अब तक की सबसे लंबी मार्बल फिल्म होने का खिताब भी जुड़ गया है अवेंजर का नाम आते ही जेहन में बेहतरीन फाइट सिक्वेंस निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन हल्क आते हैं लेकिन इस अवेंजर इन्फेंटी वार में मार्बल के बीस बड़े एक साथ नजर आए हैं ये सभी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन ए, लेकिन इस बार मार्बल की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में ये काम का सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इस सुपर हीरो कहानी में सभी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सुपर हीरो रिश्ते के आगे मजबूर होते हैं ऐसे में दुनिया और अपने रिश्ते दोनों के बीच में से एक को बचाने की स्थिति में वो भी हमारी आपकी तरह कमजोर पड़ते हैं रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म में पूरी मार्बल फैमिली को जुटाया है और कभी और सभी कैरेक्टर को इतने सीन दिए हैं कि उन कि प्रजेंस आप मिस नहीं करते यानी एक डायरेक्टर के तौर पर इतने सारे कैरेक्टर्स को ज़रूरी स्क्रीन स्पेस दे पाना रूसो बर्दाश्त की काबिलियत को डिफ़ाइन करता है जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए सुपर हीरोज की यह फिल्म है जिसने मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज़ को जगह दी गई है दरअसल ये फिल्म में इन हीरोज़ की नहीं बल्कि फिल्म के बिलन थानोस यानी जॉस ब्रोलिन की है फिल्म के पहले सीन से लेकर अंत तक हर सुपर हीरो के साथ जो एक करेक्टर दिखता है वो है थानोस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म में लगभग हर पाँच मिनट बाद स्क्रीन पर यह पर्पल ब्लास विशाल का शख्स सामने आता है वो इतना क्रूर है जितना सोच भी सोचा भी नहीं जा सकता ये ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जहां सुपर हीरो जैसा हाई और मजबूर नजर आते हैं और ये सब हो रहा है थानोस के कारण थानोस वो है जो मार्बल के सबसे पावरफुल हीरो थार यानी क्रिस हेमोर्स को लाचार कर देता है बहरहाल यहां फिल्म को लेकर कई स्पॉलर देना मकसद नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि थानोस वो है जो अब तक का कोई भी विलन नहीं बन पाया वो बुरा नहीं बहुत बुरा है फिल्म का ओपनिंग सीन भी काफ़ी डार्क है थनोज एक प्लेनेट पर बात कर चुका है जहां उसका संवाद लोकी टॉम एल्डनसन के साथ होता है वही लौकी जिसने अपने थार में देखा है थेनोस जिसे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है उसके लिए लोकी का यह डायलॉग यू कैन नेवर बी ए गॉड फिल्म में पहले ही सीन को इतना जबरदस्त बना देता है कि सिनेमा हाल तालियों से गूंज पड़ता है पर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो को इन्फिंट्री स्टोन बचाने हैं स्टोन यानी जोस जॉस ब्रेलिन आधे यूनिवर्स को लोगों को ख़त्म करना चाहता है ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिक है कि फिल्म में लिमिटेड रिसोर्स है जब लोग ज्यादा होते हैं तो भी सीमित रहते हैं और ऐसे में दुनिया का स्वरूप बिगड़ रहा है लोगों के जीवन जीने का तरीका इससे प्रभावित होता है के पास इसका सोलूशन है वो आधे यूनिवर्स के लोगों को खत्म करना चाहता है ताकि उतने ही लोग जिंदा रहे जिनके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हों लोग लोगों को मारकर आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है ऐसा करना उसके लिए तब संभव होगा जब उसके पास इनफिनिटी स्टोन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में कुल छः इनफिनिटी स्टोन हैं जिसे दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इनफिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद इस यूनिवर्स को तबाह करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा थनोस को ये इन्फेंट्री स्टोन किसी भी कीमत पर चाहिए कुल छः में से दो इन्फेंट्री स्टोन धरती पर हैं जिसके लिए उसे धरती पर आना है धरती पर एक ही सुपर हीरो की एक फौज है जिसे निक फ्यूरी ने बनाया है इस टीम को ही एवेंजर्स कहते हैं इन्फेंट्री स्टोन्स की खोज में थानोस धरती पर आता है और एवेंजर्स को थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकता है थानोस दुनिया को ख़त्म कर सकता है और अवेंजर्स ऐसा होने नहीं देंगे ये लड़ाई इस बार आसान नहीं है अकेला थानोस और उसका इन्फेंटी स्टोन वाला सात सभी सुपरहीरोज पर भारी पड़ा है इस बार अवेंजर्स की टीम बड़ी हो गई है जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका थार ब्लैक ब्लैकबिडो डॉक्टर स्टेंज स्परमैन बिजन गमोरा नेबुला, स्टार लॉर्ड और भी कई लोकप्रिय मार्बल सुपर पावर हीरो शामिल हैं इस फिल्म का स्पायलर देना सही नहीं होगा लेकिन एक बात जो मन में खटकती है वो है फिल्म का अंत फिल्म ऐसी जगह खत्म होती है जो आपको परेशान और सन्न कर देगी इसके लिए अंग्रेजी के दो शब्द मेरे मन में फिल्म को देखते वक्त आए थे वो थे बिजार अनप्रडिक्टेबल फिल्म जिस मोड़ पर ख़त्म होती है उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता ये ही फिल्म को बेहतर भी बनाता है और कई मायनों में फिल्म को बीच में ही छोड़ देता है ये अंत आखिर है क्या आप सिनेमा हॉल में जाकर खुद देखिए रूसो ब्रदर्स एंट्री रूसो जो रूसो ने अवेंजर इन्फेंट्री वार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर हीरोज की फिल्में पहले से ही कई उम्मीदों के बोतले दबी होती हैं और जब यह फिल्म अवेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं एक फिल्म में कई बड़े सुपर हीरोज़ का होना और सभी के फैंस को खुश करने करते हुए उन्हें स्क्रीन पर अच्छे सीन और डायलॉग दे पाना एक कठिन काम है लेकिन रूसो ब्रदर इस टास्क में लगभग सफल रहे हैं ये दोनों भाई इससे पहले साल 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वार और 2014 में आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं फिल्म में कई सारे स्पेस दूसरे प्लानेट के सीन दर्शाए गए हैं और इन सीन को इतनी खूबसूरती ये पर्दे पर दिखाया गया है कि हर मार्बल फैन इसके लिए रूसो और सिनोमेटोग्राफर ट्रेट ओप्पोलोज को थैंक यू कहना चाहेगा एवेंजर का जिक्र हो तो फाइट वार सीक्वेंस का जिक्र ना हो ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना किसी चीनी के मिठाई फिल्म के फाइट सीन इतने ज़बरदस्त है कि आप कई जगह खुद को ताली बजा बजाता या वाव कहता पाएंगे फिल्म को देखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पलके भी न झपके महज पलकों पलकों के झपकने से ही आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं डायरेक्शन का सबसे बड़ा हासिल ये भी है कि इतनी लंबी फिल्म बोर नहीं करती अवेंजर इन्फेंटी वार की बस एक ही कमी है कि इसके कई फाइट सीक्वेंस प्रोडिक्टेबल हो जाते हैं दर्श दर्शक के तौर पर आपको पता चल जाना थोड़ा खल जाता है लेकिन इससे बसीन बोर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे में इस कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है अवेंजर्स में हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं जो ऐसे में बेहतरीन अभिनय उस फिल्म में दिखना लाजमी है लेकिन कुछ बड़े नाम उम्मीद के मुताबिक फिल्म, फिल्म में नजर नहीं आते ब्लैक बिटो के किरदार में स्काट जॉनसन फिल्म में कायसी दिखी हैं वजह यह भी है कि उन्हें कोई दमदार डायलॉग या चलो एक्शन सीन नहीं मिला है ब्लैक पेंथर के किरदार में चैंड बोजमैन ने भी स्क्रीन पर बहुत ऐसा नहीं किया है जिसे फिल्म ख़त्म होने के बाद भी याद रखा जा सके एक्टिंग के मामले में थानोस का किरदार निभाने वाले जॉस जौ, ब्रोलिन का कोई जवाब नहीं है इस परे बिलन के किरदार को उन्होंने इस किरदार इस कदर निभाया है कि हाल से निकलने के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा दिमाग में रह जाता है तो वो है थानोस इस कैरेक्टर को इतना असरदार जॉस ने बनाया है कि उसकी मौजूदगी डरा देती है थानोस का पहला डायलॉग ही बेहद ज़बरदस्त है थानोस फिल्म में अपनी एंट्री के वक्त वह लोगों की लाश पर चलता हुआ कहता है यू मे थिंक दिस इज सफरिंग नो इट्स सल इस डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक है आपकी सोच में एक डिटेक्टर जितना बुरा हो सकता है थानोस उससे भी बुरा है और उसे पर्दे पर लेकर आए हैं जॉन ब्रेलिन जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी टोनी स्टार मार्बल सीरीज तक का सबसे बड़ा और अक्लमंद नाम है टोनी स्टार के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर बार की तरह बेहतरीन अभिनय किया है टोनी स्टार के मज़ेदार डायलॉग्स और आंखों के साथ खेलकर अपने डायलॉग इस इंटेंस फिल्म में भी खूब हंसाते हैं और यह फन लिमेंट वो इसलिए फिल्म में जोड़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म में भरपूर सीन दिए गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बार एवेंजर सीरीज में डेब्यू किया है यह किरदार निभा रहे ब्लैक ड्रेंस कंबर वैश ने फिल्म के कई सीन में जान फूक दी है जिस फीमेल एक्टर को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जगह मिली है वह गमोरा का किरदार निभाने वाली जो सेल्टेना सेल्टेना ने भी फिल्म के कई हिस्सों को अकेले खींचा है इस फिल्म में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज, थार कैप्टन अमेरिका गमोरा और जाहिर तौर पर थानोस सबसे ज्यादा नजर आए हैं फिल्म में सुपर हीरोज के फैन सबसे ज्यादा हाल में सेटिस्फाई होकर लौटते हैं अवेंजर इन्फिनिटी वार के लिए क्यों ना देखें जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए इस फिल्म को जरूर देखें हाँ अगर संभव हो तो इसे एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं फिल्म का हिंदी डब देखना भी बेहतरीन होगा टोनी स्टार को हिंदी में करते हैं वो हर अंग्रेजी विषय को भी देखना चाहिए इन्फिनिटी वार को भारत में हिंदी में प्रमोट किया जा गया है इसके दो ट्रेलर हिंदी में आए जो काफी मजेदार रहे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से निकल कर बिग स्क्रीन पर जब ये अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है एवेंजर इन्फिनिटी वार में तो इस बार सुपर हीरोज़ की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपर हीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊँचा कर दिया है इतनी अपेक्षाएँ कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को, को भरपूर मनोरंजन देते हैं ये जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के बिलन का दमदार होना जरूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं

उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडरमैन हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी नहीं जाएगी। इतने सारे सुपर के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार

क्रिस हैमर्स मार्क राफेलो क्रिस ओवानस स्कारलेट जोहसन जोस बर्लिन टॉम हाल जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थे से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है कि अवेंजर्स इन्फेंटी वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है या भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है फिल्म ने प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एन में इस फिल्म के पंद्रह सौ से ज्यादा शो एक साथ चले थे मार्बल स्टूडियो अपने सभी फिक्शनल हीरोज को एक साथ पहली बार स्क्रीन पर लाने के लिए दस साल से ज्यादा मेहनत की थी इस फिल्म के लिए मार्बल स्टूडियो में भारी भरकम का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था हालांकि बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी थी और जवाब है हाँ इस फिल्म में आपके सभी ही सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपरहीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंध थानोश की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर भी में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली अवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही अवेंजर्स पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटों से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इनफिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे अवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकांटा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और राकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानों से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इनमें इन से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो के एंट्री के साथ हाल में सीटिया बज रही थी थानोज से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा बिल्कुल पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटिव वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफिनटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताक़त है थानोस को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतजार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपरहीरो कमजोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमडन और लोकी को मार गिराया है जहाँ तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म ट्रेडर एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई एम टिकटों के दाम करीब पाँच सौ रुपये से एक हज़ार रुपये के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में यह कीमत सात सौ रुपये से आठ सौ रुपये के बीच थे वीकेंड की सारी टिकटें बिक चुकी थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे खत्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर देता है लगभग एक दशक की मेहनत का नतीजा है एवंजस इन्फिटिव इन्फिनटीवार में सुपर हीरो के दीवानों के लिए हर मसाला मौजूद है जो उन्हें उनका फैन बनाने के लिए मजबूर करता है फिर इस बार सिर्फ एक या दो या तीन नहीं बल्कि ढेर सारे सुपर हीरो हैं अवेंजर की टीम से लेकर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस तक की टीम और कई सारे सुपर हीरो जो शायद कभी छोटे मोटे सीन में दिखे हैं थार का घर तबाह हो चुका है थार और उसका भाई लकी के पास ताकत नहीं बची है उधर से थानोस का कहर जारी है वह महाशक्तिशाली बनने के लिए इन्फिनटी स्टोन्स चाहता है ये इन्फिनटी स्टोन्स है जो ब्रह्मांड में अलग अलग ठिकानों पर है थानोस का इरादा इस दुनिया की आधी आबादी का खात्मा है लेकिन इसकी इस राह में रोड़े सुपर हीरो हैं थानोस के खिलाफ जंग अलग अलग ठिकानों पर चल रही है अलग अलग सुपर हीरो टकराते हैं लेकिन थानोस को रोक पाना इतना आसान नहीं है कई सुपर हीरो इस बार खतरे से भी नजर आएंगे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने सारे सुपर हीरो को संजोकर फिल्म को यादगार बनाने का काम किया है इस चक्कर में कहानी थोड़ी छितर जाती है लेकिन सुपर हीरो मजा दिलाते रहते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज़ की उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्में देख, देखने से मज़ा दोगुना हो जाता है डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को कहने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है जहां तीन चार सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है वहां इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं वह ताजुब की बात है फिर हॉली हॉलीवुड में तो दो टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते लेकिन अमेंजर इन्फेंटिवार में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार काम मौजूद है ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी अवंजर सीरीज का भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा और आंकड़ा हंड्रेड करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है तो ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें जबरदस्त हैं कई फिल्मों को देखने का मज़ा हाल में बैठे दर्शकों के मूड पर भी निर्भर करता है एवंजर्स इंफेंटी वार भी एक ऐसी ही फिल्म है एक बार इसे देखने तो जाइए पर्दों के दोनों और किरदारों का फौज नज़र ना आए तो कहिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री पर जितनी तालियां बजती हैं उसे दोगुनी तालियां ब्लैक पैंथर की एंट्री पर उनके फैंस बजाते हैं मनो दोनों गुटों में कोई होट चल रही हो आप जितना फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं उतना ही है इस माहौल का हाँ तो दोस्तों खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं आयरन मैन स्पार्डरमैन हल्क और उनके बाकी एवेंजर्स भाई बंधु पर ऐसा तो तभी होता है जब बिलन इतना दमदार हो कि उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी एक सुपर हीरो की शक्ति काफी ना हो इस बार यह बिलन सामने आया है थानोस के रूम में इतने सारे सुपर हीरोज़ को एक साथ पर्दे पर देखना हमारे लिए भले ही करिश्माई हो निर्देशन के नज़रिए से यह यकीन चुनौती भरा रहा होगा इसे किसी सुपर हीरो के सामना इंसाफी ना इंसा न हो पाए हर किसी की मौजूदगी भले ही लंबी ना हो पर इतनी जरूर हो कि वह बेवजह ना लगे निर्देशक जोड़ी एंथोनी रोसो और जो रोसो ने यह काम बाखूबी किया है फिल्म शुरू होती है थार लोकी और हल्क की बिलन थेनोस के साथ एक जोरदार भिड़ के साथ जब ये तीनों महारथी मिलकर भी थैनोस को हरा नहीं पाते हैं तभी यह जाहिर हो जाता है कि इतने सारे सुपर हीरोज की फौज इकट्ठा करने की नौबत क्यों आई थानोस का मकसद है कुछ विशेष चमत्कारिक रत्नों को इकट्ठा करना ताकि उसकी शक्ति में छाबा हो सके वह ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए आधे प्राणियों का खात्मा कर देना चाहता है इन्हीं रत्नों की तलाश में वह एक एक कर उन सभी अनजर से भिड़ता है जिनके पास ये रत्न है कहानी में फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदार स्टार लॉर्ड रॉकेट गैमोरा ग्रूट मैंटिस नेब्यूला और ड्रैक्स भी हैं फिल्म में एक्शन के अलावा कॉमेडी और भावनाओं का भी अच्छा संतुलन बनाया गया है हिंदी में डब संस्करण के कई समाज बेहद मजेदार हैं एक दृश्य में जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदारों की स्पेस शिप के सामने वाले शीशे पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक शरीर आकर गिरता है तो रॉकेट तुरंत चिल्लाता है ए वाइपर मार जल्दी अगर भावात्मक पक्ष की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरनमैन के बीच के संवाद उनका पहले विरोधाभासी और फिर एक मत होना चौंकाता है इसी तरह यह रहस्य उद्यान की गोमरा दरअसल थानोस की बेटी है और फिर उनके बीच के घटनाक्रम भी प्रभावित करते हैं फिल्म दर्शकों के मन में हज़ारों सवाल खड़े करते हुए ख़त्म हो जाती है और पता लगता है कि इसके आगे की कहानी अगले साल देखने को मिलेगी यानी श्रृंखला की, की अगली फिल्म में कुछ किरदारों को कम समय के लिए दिखाया गया है कुछ को ज़्यादा समय के लिए इसके इससे किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ढाई घंटे में इतने किरदार दिखाना आसान नहीं था आखिर सबसे बड़ा किरदार तो कहानी ही है एक्टिंग के लिहाज से सभी का काम अच्छा रहा खासतौर पर राबर डाउनी क्रिस हैमवर्थ मार्क रफेलो जो सल्डाना और जॉस ब्रालिन का फिल्म के स्पेशल इफेक्ट काफ़ी प्रभावी है और साथ ही इसका पार संगीत भी थ्री के इफेक्ट के साथ फिल्म बेहद ज़बरदस्त लगती है मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो शुक्रवार को आखिरकार ख़त्म हो गया था इस फिल्म में बड़े सुपर हीरो को दिखाया गया है इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं दिखाए गए हैं इसके अलावा थानो जैसा खतरनाक और ताकतवर विलन फिल्म को और भी रोमांच बनाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का एक दशक की मेहनत का नतीजा है फिल्म में वह सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफ़ी हैं फिल्म की कहानी पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थानो से मुकाबला करने का फैसला करते हैं क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है वह करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोज को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज की एक उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पेंथर जैसी फिल्में पहले से देख लें अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस फिल्म को देखने का आपका मजा दोगुना हो जाएगा फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को बयां करने की कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और साथ ही सभी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दिए हैं फिल्म पूरे ढाई घंटे दर्शकों को अपने साथ बांधे रखने में कामयाब है फिल्म में एकमात्र बिलंथ हनोज की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है अगर आपने अवेंजर सीरीज़ की फिल्में देखी हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें अवेंजर्स इन्फेंटिव वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है और यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज है फिल्म में प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एन में इस फिल्म के पंद्रह सौ एक साथ पंद्रह सौ सौ एक साथ चले थे इस फिल्म के लिए मार्बल स्टूडियो ने काफ़ी भारी भर का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फिली की तरफ की तारीफ की जानी चाहिए अवेंजर इन्फिनिटी वार के ट्रेलर का डायलॉग ही इस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म का सार है इन्फिटी वार मार्बल सिनोमेटिक स्टूडियो की उन्नीसवीं और एवेंजर सीरीज की तीसरी फिल्म है इस फिल्म के साथ अब तक की सबसे लंबी मार्बल फिल्म होने का खिताब भी जुड़ गया है अवेंजर का नाम आते ही जेहन में बेहतरीन फाइट सिक्वेंस निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन हल्का आते हैं लेकिन इस अवेंजर इन्फेंटी वार में मार्बल के बीस बड़े एक साथ नजर आए हैं ये सभी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन ए, लेकिन इस बार मार्बल की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में ये काम का सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इस सुपर हीरो कहानी में सभी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सुपर हीरो रिश्ते के आगे मजबूर होते हैं ऐसे में दुनिया और अपने रिश्ते दोनों के बीच में से एक को बचाने की स्थिति में वो भी हमारी आपकी तरह कमजोर पड़ते हैं रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म में पूरी मार्बल फैमिली को जुटाया है और कभी और सभी कैरेक्टर को इतने सीन दिए हैं कि उन प्रजेंस आप मिस नहीं करते यानी एक डायरेक्टर के तौर पर इतने सारे कैरेक्टर्स को जरूरी स्क्रीन स्पेस दे पाना रूसो ब्रदर्स की काबिलियत को डिफाइन करता है जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए सुपर हीरोज की फिल्म जिसने मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज को जगह दी गई है दरअसल ये फिल्म में इन हीरोज़ की नहीं बल्कि फिल्म के बिलन थानोस यानी जॉस ब्रोलिन की है फिल्म के पहले सीन से लेकर अंत तक हर सुपर हीरो के साथ जो एक कैरेक्टर दिखता है वो है थानोस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म में लगभग हर पाँच मिनट बाद स्क्रीन पर यह पर्पल बिलास विशाल का शख्स सामने आता है वो इतना क्रूर है जितना सोच भी सोचा भी नहीं जा सकता ये ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जहाँ सुपर हीरो जैसा असहाय और मजबूर नजर आते हैं और ये सब हो रहा है थानोस के कारण थानोस वो है जो मार्बल के सबसे पावरफुल हीरो थार यानी क्रिस हैमोर्स को लाचार कर देता है बहरहाल यहाँ फिल्म को लेकर कई स्पॉयलर देना मकसद नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि थानोस वो है जो अब तक का कोई भी विलन नहीं बन पाया वो बुरा नहीं बहुत बुरा है फिल्म का ओपनिंग सीन भी काफ़ी डार्क है थानोस एक प्लेनेट पर बात कर चुका है जहां उसका संवाद लोकी टॉम एल्टनसन के साथ होता है वही लोकी जिसने आपने थार में देखा है थैनोस जिसे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है उसके लिए लोकी का यह डायलॉग यू कैन नेवर बी ए गॉड फिल्म में पहले ही सीन को इतना ज़बरदस्त बना देता है कि सिनेमा तालियों से गूंज पड़ता है पर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो को इन्फिट्री स्टोन बचाने हैं स्टोन यानी जो जोस ब्रेलिन आधे यूनिवर्स को लोगों को खत्म करना चाहता है ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिक ये है कि फिल्म में लिमिटेड रिसोर्स है जब लोग ज़्यादा होते हैं तो भी रिसोर्स सीमित रहते हैं और ऐसे में दुनिया का स्वरूप बिगड़ रहा है लोगों के जीवन जीने का तरीका इसे प्रभावित होता है यानी के पास इसका सोलूशन है वो आधे यूनिवर्स के लोगों को ख़त्म करना चाहता है ताकि उतने ही लोग जिंदा रहे जिनके लिए रिसोर्सेस उपलब्ध हों वो लोग, लोगों को मारकर आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है ऐसा करना उसके लिए तब संभव होगा जब उसके पास इन्फिंटी स्टोन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में कुल छः इन्फिंटी स्टोन हैं जैसे दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इनफिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद इस यूनिवर्स को तबाह करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा थनोज तो को ये इनफिनिटी स्टोन्स किसी भी कीमत पर चाहिए कुल छः में से दो इनफिनिटी स्टोन धरती पर हैं जिसके लिए उसे धरती पर आना है धरती पर एक ही सुपर हीरो की एक फौज है जिसे निक फ्यूरी ने बनाया है इस टीम को ही एवेंजर्स कहते हैं इन्फेंटी स्टोन्स की खोज में थानोस धरती पर आता है और एवेंजर्स को थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकता है थानोस दुनिया को ख़त्म कर सकता है और अवेंजर्स ऐसा होने नहीं देंगे ये लड़ाई इस बार आसान नहीं है अकेला थानोस और उसका इन्फेंट्री स्टोन वाला साथ सभी सुपर हीरोज पर भारी पड़ा है इस बार एवेंजर्स की टीम बड़ी हो गई है जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका थार स्टार लॉर्ड और भी कई लोकप्रिय मार्बल सुपर पावर हीरो शामिल हैं इस फिल्म का देना सही नहीं होगा लेकिन एक बात जो मन में खटकती है वो है फिल्म का अंत फिल्म ऐसी जगह खत्म होती है जो आपको परेशान और सन्न कर देगी इसके लिए अंग्रेजी के दो शब्द मेरे मन में फिल्म को देखते वक्त आए थे वो थे बिजार आर फिल्म जिस मोड़ पर ख़त्म होती है उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता यही फिल्म को बेहतर भी बनाता है और कई मायनों में फिल्म को बीच में ही छोड़ देता है ये अंत आखिर है क्या आप सिनेमा हॉल में जाकर खुद देखिए रूसो ब्रदर्स एंटनी रूसो जो रूसो ने अवेंजर इन्फेंट्री वार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर हीरोज की फिल्में पहले से ही कई उम्मीदों के बोत तले दबी होती हैं और जब यह फिल्म एवेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं एक फिल्म में कई बड़े सुपर हीरोज़ का होना और सभी के फैंस को खुश करने करते हुए उन्हें स्क्रीन पर अच्छे सीन और डायलॉग दे पाना एक कठिन काम है लेकिन रूसो ब्रदर इस टास्क में लगभग सफल रहे हैं ये दोनों भाई इससे पहले साल 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वार और 2014 में आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं फिल्म में कई सारे स्पेस दूसरे प्लेनेट के सीन दर्शाए गए हैं और इन सीन को इतनी खूबसूरती ये पर्दे पर दिखाया गया है कि हर मार्बल फैन इसके लिए रूसो ब्रदर्स और सिनोमेटोग्राफर ट्रेट ओप्पोलोज को थैंक यू कहना चाहेगा एवेंजर का जिक्र हो तो फाइट वार सीक्वेंस का जिक्र न हो ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना किसी चीनी के मिठाई फिल्म के फाइट सीन इतने ज़बरदस्त है कि आप कई जगह खुद को ताली बजा बजाता या वाव कहता पाएंगे फिल्म को देखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पलके भी न झपके महज पलकों पलको के झपकने से ही आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं डायरेक्शन का सबसे बड़ा हासिल ये भी है कि इतनी लंबी फिल्म बोर नहीं करती अवेंजल इन्फेंट्री वार की बस एक ही कमी है कि इसके कई फाइट सीक्वेंस प्रोडिक्टेबल हो जाते हैं दर्श, दर्शक के तौर पर आपको पता चल जाना थोड़ा खल जाता है लेकिन इससे बहसीन बोर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे में इससे कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है अवेंजर्स में हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं जो ऐसे में बेहतरीन अभिनय उस फिल्म में दिखना लाजमी है लेकिन कुछ बड़े नाम उम्मीद के मुताबिक फिल्म मैनेजर नहीं आते ब्लैक बिडो के किरदार में स्कॉट जॉनसन फिल्म में काय सी दिखी हैं वजह यह भी है कि उन्हें कोई दमदार डायलॉग या सोलो एक्शन सीन नहीं मिला है ब्लैक पेंथर के किरदार में चैंड चैंडविक बोजमैन ने भी स्क्रीन पर बहुत ऐसा नहीं किया है जिसे फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखा जा सके एक्टिंग के मामले में थानोस का किरदार निभाने वाले जॉस ब्रोलिन का कोई जवाब नहीं है इस परे बिलन के किरदार को उन्होंने इस किरदार इस कदर निभाया है कि हाल से निकलने के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा दिमाग में रह जाता है तो वो है थानोस इस कैरेक्टर को इतना असरदार जॉस ने बनाया है कि उसकी मौजूदगी डरा देती है थानोस का पहला डायलॉग ही बेहद ज़बरदस्त है थानोस फिल्म में अपनी एंट्री के वक्त वह लोगों की लाश पर चलता हुआ कहता है यू मे थिंक दिस इज सफरिंग नो no एट्सन इस डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक है आपकी सोच में एक डिटेक्टर जितना बुरा हो सकता है थानोस उससे भी बुरा है और उसे पर्दे पर लेकर आए हैं जॉन ब्रेलिन जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी टोनी स्टार्क मार्बल सीरीज का सबसे बड़ा और अक्लमंद नाम है टोनी स्टार्क के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर बार की तरह बेहतरीन अभिनय किया है टोनी स्टार के मज़ेदार डायलॉग्स और आंखों के साथ खेलकर अपने डायलॉग इस इंटेंस फिल्म में भी खूब हंसाते हैं और यह फन लिमेंट वो इसलिए फिल्म में जोड़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म में भरपूर सीन दिए गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बार एमेंजर सीरीज में डेब्यू किया है यह किरदार निभा रहे ब्लैक डिंस कंबर वैश ने फिल्म के कई सीन में जान फोंक दी है जिस फीमेल एक्टर को इस फिल्म में सबसे ज्यादा जगह मिली है वो है गमोरा का किरदार निभाने वाली जो सेल्टेना सेल्टेना ने भी फिल्म के कई हिस्सों को अकेले खींचा है इस फिल्म में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज थार कैप्टन अमेरिका गमोरा और जाहिर तौर पर थानो सबसे ज्यादा नजर आए हैं फिल्म में सुपर हीरोज़ के फैन सबसे ज्यादा हाल में सेटिस्फाई होकर लौटते हैं अवेंजर इन्फेंटी वार के लिए क्यों ना देखे जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए इस फिल्म को जरूर देखें हाँ अगर संभव हो तो इसे एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं फिल्म का हिंदी डब देखना भी बेहतरीन होगा स्टार को हिंदी में करते हैं वो हर अंग्रेजी विषयों को भी देखना चाहिए इनफिनटी वार को भारत में हिंदी में प्रमोट किया जा गया है इसके दो ट्रेलर हिंदी में आए जो काफ़ी मजेदार रहे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से निकलकर बिग स्क्रीन पर जब है अपने कार नामी दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है अवेंजर इंफिटीवार में तो इस बार सुपर हीरो की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपरहीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊंचा कर दिया है इतनी अपेक्षाएं कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देते हैं जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के बिलन का दमदार होना जरूर ज़रूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडर मैन हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रोसो और जो रोसो की कामयाबी मानी जाएगी इतने सारे सुपर हीरोज़ के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार है। फिल्म का संपादन कमाल का है। इतने सारे कलाकारों और एक्शन को बेहद सीजीआई कहीं भी या नकली नहीं लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर चौंकाता है इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं की थी फिल्म खत्म होने के पहले जो एक्शन सीक्वेंस है कमाल का है फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जू क्रिस हैमर्स मार्क रफेलो क्रिस ओवानस स्कारलेट जोहसन जोस बर्लिन टॉम हाल जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं अवेंजर इन्फिंटिवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा थोड़ा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी इन्फिनटिवार एक बहुत महत्वकांक्षी फिल्म है यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है फिल्म ने प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के पंद्रह सौ से ज़्यादा शो एक साथ चले थे मार्बल स्टूडियो अपने सभी फिक्शनल हीरोज़ को एक साथ पहली बार स्क्रीन पर लाने के लिए दस साल से ज़्यादा मेहनत की थी इस फिल्म के लिए मार्बल स्टूडियो में भारी भरकम मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था हालांकि बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी थी और जवाब है हाँ इस फिल्म में आपके सभी सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपर हीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंध थानोस की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर भी में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली अवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही अवेंजर्स पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटों से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इनफिनिटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे अवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकान्टा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और राकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानोज से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इनमें इन से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो के एंट्री के साथ हाल में सीटियां बज रही थी थानो से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा विलन पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपरहीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटी वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफिनटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताकत है थानूज को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतज़ार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपरहीरो कमज़ोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमटन और लौकी को मार गिराया है जहां तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म थे एनलिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई एम टिकटों के दाम करीब पाँच सौ रुपये से एक हज़ार रुपये के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में यह कीमत सात सौ रुपये से आठ सौ रुपये के बीच थे वीकेंड की सारी टिकटें बिक चुकी थी अवेंजर्स इन्फिंटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे खत्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाकों चन्ने चबाने के लिए मजबूर कर देता है लगभग एक दशक की मेहनत का नतीजा है एवंजस इन्फिटीवार अवंजस इन्फिटीवार में सुपर हीरो के दीवानों के लिए हर वाह मसाला मौजूद है जो उन्हें उनका फैन बनने के लिए मजबूर करता है फिर इस बार सिर्फ एक या दो या तीन नहीं बल्कि ढेर सारे सुपर हीरो हैं अवेंजर की टीम से लेकर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस तक की टीम और कई सारे सुपर हीरो जो शायद कभी छोटे मोटे सीन में दिखे हैं थार का घर तबाह हो चुका है थार और उसका भाई लकी के पास ताकत नहीं बची है उधर से थानोस का कहर जारी है वह महाशक्तिशाली बनने के लिए इन्फिनटी स्टोन्स चाहता है ये इन्फिनटी स्टोन्स है जो ब्रह्मांड में अलग अलग ठिकानों पर है थानोस का इरादा इस दुनिया की आधी आबादी का खात्मा है लेकिन इसकी इस राह में रोड़े सुपर हीरो हैं थानोस के खिलाफ जंग अलग अलग ठिकानों पर चल रही है अलग अलग सुपर हीरो टकराते हैं लेकिन थानोस को रोक पाना इतना आसान नहीं है कई सुपर हीरो इस बार खतरे से भी नजर आएंगे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने सारे सुपर हीरो को संजो कर फिल्म को यादगार बनाने का काम किया है इस चक्कर में कहानी थोड़ी छितर जाती है लेकिन सुपर हीरो मजा दिलाते रहते हैं मार्बल सुपरहीरो सीरीज की उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्में देखें देखने से मज़ा दोगुना हो जाता है डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को कहने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है परते खुलती जाती हैं हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है जहां तीन चार सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है वहां इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं वह ताज्जुब की बात है फिर हॉलीवुड में तो दो टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते लेकिन अवेंजर्स इन्फेंटी वार में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार काम मौजूद है ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी अवेंजर्स सीरीज का भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा और आंकड़ा हंड्रेड करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है तो ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें जबरदस्त हैं कई फिल्मों को देखने का मजा हाल में बैठे दर्शकों के मोड पर भी निर्भर करता है एवंजर्स इन्फेंटिवार भी एक ऐसी ही फिल्म है एक बार इसे देखने तो जाइए पर्दों के दोनों और किरदारों का फौज नजर ना आए तो कहिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री पर जितनी तालियां बजती हैं उसे दोगुनी तालियां ब्लैक पैंथर की एंट्री पर उनके फैंस बजाते हैं मनो दोनों गुटों में कोई होट चल रही हो आप जितना फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं उतना ही है इस माहौल का हाँ तो दोस्तों खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन हल्क और उनके बाकी एवेंजर्स भाई बंधु पर ऐसा तो तभी होता है जब बिलन इतना दमदार हो कि उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी एक सुपर हीरो की शक्ति काफ़ी ना हो इस बार यह बिलन सामने आया है थानोस के रूम में इतने सारे सुपर हीरोज़ को एक साथ पर्दे पर देखना हमारे लिए भले ही करिश्माई हो निर्देशन के नज़रिए से यह यकीनन चुनौती भरा रहा होगा इससे किसी सुपर हीरो के सामना इंसाफी ना हो पाए हर किसी की मौजूदगी भले ही लंबी ना हो पर इतनी जरूर हो कि वह बेवजह ना लगे निर्देशक जोड़ी एंथनी रोसो और जो रोसो ने यह काम बाखूबी किया है फिल्म शुरू होती है थार लोकी और हल्क की बिलन थेनोस के साथ एक जोरदार भिड़ के साथ जब ये तीनों महारथी मिलकर भी थैनोस को हरा नहीं पाते हैं तभी यह जाहिर हो जाता है कि इतने सारे सुपर हीरोज की फौज इकट्ठा करने की नौबत क्यों आई थानोस का मकसद है कुछ विशेष चमत्कारिक रत्नों को इकट्ठा करना ताकि उसकी शक्ति में छाबा हो सके वह ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए आधे प्राणियों का खात्मा कर देना चाहता है इन्हीं रत्नों की तलाश में वह एक एक कर उन सभी अनजर से भिड़ता है जिनके पास ये रत्न है कहानी में फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदार स्टार लॉर्ड रॉकेट गैमोरा ग्रूट मैंटिस नेबुला और ड्रैक्स भी हैं फिल्म में एक्शन के अलावा कॉमेडी और भावनाओं का भी अच्छा संतुलन बनाया गया है हिंदी में डब संस्कृत के कई समाज बेहद मजेदार हैं एक दृश्य में जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदारों की स्पेस शिप के सामने वाले शीशे पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक शरीर आकर गिरता है तो रॉकेट तुरंत चिल्लाता है ए वाइपर मार जल्दी अगर भावात्मक पक्ष की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरनमैन के बीच के संवाद उनका पहले विरोधाभासी और फिर एक मत होना चौंकाता है इसी तरह यह रहस्य उद्यान की गोमरा दरअसल थानोस की बेटी है और फिर उनके बीच के घटनाक्रम भी प्रभावित करते हैं फिल्म दर्शकों के मन में हज़ारों सवाल खड़े करते हुए ख़त्म हो जाती है और पता लगता है कि इसके आगे की कहानी अगले साल देखने को मिलेगी यानी श्रृंखला की अगली फिल्म में कुछ किरदारों को कम समय के लिए दिखाया गया है कुछ को ज़्यादा समय के लिए इसके इससे किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ढाई घंटे में इतने किरदार दिखाना आसान नहीं था आखिर सबसे बड़ा किरदार तो कहानी ही है एक्टिंग के लिहाज से सभी का काम अच्छा रहा खासतौर पर रॉबर्ट डाउनी क्रिस हैमवर्थ मार्क रफेलो जो सल्डाना और जॉस ब्रालिन का फिल्म के स्पेशल इफेक्ट काफ़ी प्रभावी है और साथ ही इसका पार संगीत भी थ्री के इफेक्ट के साथ फिल्म बेहद ज़बरदस्त लगती है मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो शुक्रवार को आखिरकार ख़त्म हो गया था इस फिल्म में बड़े सुपर हीरो को दिखाया गया है इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं दिखाए गए हैं इसके अलावा थानो जैसा खतरनाक और ताकतवर विलन फिल्म को और भी रोमांच बनाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का एक दशक की मेहनत का नतीजा है फिल्म में वह सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफ़ी हैं फिल्म की कहानी पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थानो से मुकाबला करने का फैसला करते हैं क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है वह करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोज को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज की एक उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पेंथर जैसी फिल्में पहले से देख लें अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस फिल्म को देखने का आपका मजा दोगुना हो जाएगा फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को बयां करने की कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और साथ ही सभी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दिए हैं फिल्म पूरे ढाई घंटे दर्शकों को अपने साथ बांधे रखने में कामयाब है फिल्म में एकमात्र बिलंथ हनोज की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है अगर आपने अवेंजर सीरीज़ की फिल्में देखी हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें अवेंजर्स इन्फेंटिव वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है और यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी है पहले मैं प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के 1500 1500 साथ, साथ चले थे इस फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियो ने काफी भारी भर का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फिली की तरफ की तारीफ की जानी चाहिए अवेंजर इन्फिनिटी वार के ट्रेलर का डायलॉग ही इस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म का सार है इन्फिटी वार मार्बल सिनोमेटिक स्टूडियो की उन्नीसवीं और एवेंजर सीरीज की तीसरी फिल्म है इस फिल्म के साथ अब तक की सबसे लंबी मार्बल फिल्म होने का खिताब भी जुड़ गया है अवेंजर का नाम आते ही जहन में बेहतरीन फाइट सिक्वेंस निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन हल्का आते हैं लेकिन इस अवेंजर इन्फेंटी वार में मार्बल के बीस बड़े एक्टर एक साथ नजर आए हैं ये सभी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन ए, लेकिन इस बार मार्बल की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में ये काम का सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इस सुपर हीरो कहानी में सभी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सुपर हीरो रिश्ते के आगे मजबूर होते हैं ऐसे में दुनिया और अपने रिश्ते दोनों के बीच में से एक को बचाने की स्थिति में वो भी हमारी आपकी तरह कमजोर पड़ते हैं रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म में पूरी मार्बल फैमिली को जुटाया है और कभी और सभी कैरेक्टर को इतने सीन दिए हैं कि उनकी प्रजेंस आप मिस नहीं करते यानी एक डायरेक्टर के तौर पर इतने सारे कैरेक्टर्स को जरूरी स्क्रीन स्पेस दे पाना रूसो ब्रदर्स की काबिलियत को डिफाइन करता है जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए सुपर हीरोज की फिल्म जिसने मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज को जगह दी गई है दरअसल ये फिल्म में इन हीरोज़ की नहीं बल्कि फिल्म के बिलन थानोस यानी जॉस ब्रोलिन की है फिल्म के पहले सीन से लेकर अंत तक हर सुपर हीरो के साथ जो एक कैरेक्टर दिखता है वो है थानोस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म में लगभग हर पाँच मिनट बाद स्क्रीन पर यह पर्पल बिलास विशाल का शख्स सामने आता है वो इतना क्रूर है जितना सोच भी सोचा भी नहीं जा सकता ये ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जहाँ सुपर हीरो जैसा असहाय और मजबूर नजर आते हैं और ये सब हो रहा है थानोस के कारण थानोस वो है जो मार्बल के सबसे पावरफुल हीरो थार यानी क्रिस हैमोर्स को लाचार कर देता है बहरहाल यहाँ फिल्म को लेकर कई स्पॉयलर देना मकसद नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि थानोस वो है जो अब तक का कोई भी विलन नहीं बन पाया वो बुरा नहीं बहुत बुरा है फिल्म का ओपनिंग सीन भी काफ़ी डार्क है थानोस एक प्लेनेट पर बात कर चुका है जहां उसका संवाद लोकी टॉम एल्डनसन के साथ होता है वही लोकी जिसने आपने थार में देखा है थेनोस जिसे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है उसके लिए लोकी का या डायलॉग यू कैन नेवर बी ए गॉड फिल्म में पहले ही सीन को इतना ज़बरदस्त बना देता है कि सिनेमा हाल तालियों से गूंज पड़ता है पर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो को इन्फिनिट्री स्टोन बचाने हैं स्टोन यानी जोस जोस ब्रेलिन आधे यूनिवर्स को लोगों को ख़त्म करना चाहता है ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिक ये है कि फिल्म में लिमिटेड रिसोर्स है जब लोग ज़्यादा होते हैं तो भी रिसोर्स सीमित रहते हैं और ऐसे में दुनिया का स्वरूप बिगड़ रहा है लोगों के जीवन जीने का तरीका इससे प्रभावित होता है तनुष के पास इसका सोलूशन है वो आधे यूनिवर्स के लोगों को खत्म करना चाहता है ताकि उतने ही लोग जिंदा रहे जिनके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हों वो लोग, लोगों को मारकर आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है ऐसा करना उसके लिए तब संभव होगा जब उसके पास इन्फिटी स्टोन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में कुल छः इन्फेंट्री स्टोन हैं जिसे दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इन्फिनटी स्टोन्स मिलने के बाद इस यूनिवर्स को तबाह करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा थानोस को ये इन्फेंट्री स्टोन किसी भी कीमत पर चाहिए कुल छः में से दो इन्फेंट्री स्टोन धरती पर हैं जिसके लिए उसे धरती पर आना है धरती पर एक ही सुपर हीरो की एक फौज है जिसे निक फ्यूरी ने बनाया है इस टीम को ही एवेंजर्स कहते हैं इन्फेंट्री स्टोन्स की खोज में थानोस धरती पर आता है और एवेंजर्स को थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकता है थानोस दुनिया को ख़त्म कर सकता है और अवेंजर्स ऐसा होने नहीं देंगे ये लड़ाई इस बार आसान नहीं है अकेला थानोस और उसका इनफिनिटी स्टोन वाला सात सभी सुपर हीरोज पर भारी पड़ा है इस बार अवेंजर्स की टीम बड़ी हो गई है जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका, का थार ब्लैक ब्लैकबिडो डॉक्टर स्टेंज स्पाडरमैन बिजन गमोरा नेबला स्टार लॉर्ड और भी कई लोकप्रिय मार्बल सुपर पावर हीरो शामिल हैं इस फिल्म का स्पायर देना सही नहीं होगा लेकिन एक बात जो मन में खटकती है वो है फिल्म का अंत फिल्म ऐसी जगह खत्म होती है जो आपको परेशान और सन्न कर देगी इसके लिए अंग्रेजी के दो शब्द मेरे मन में फिल्म को देखते वक्त आए थे वो थे बिजार अनप्रडिक्टेबल फिल्म जिस मोड पर ख़त्म होती है उसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता यही फिल्म को बेहतर भी बनाता है और कई मायनों में फिल्म को बीच में ही छोड़ देता है ये अंत आखिर है क्या आप सिनेमा हॉल में जाकर खुद देखिए रूसो ब्रदर्स एंटनी रूसो जो रूसो ने अवेंजर इन्फेंट्री वार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर हीरोज की फिल्में पहले से ही कई उम्मीदों के तले दबी होती हैं और जब यह फिल्म अवेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं एक फिल्म में कई बड़े सुपर हीरोज़ का होना और सभी के फैंस को खुश करने करते हुए उन्हें स्क्रीन पर अच्छे सीन और डायलॉग दे पाना एक कठिन काम है लेकिन रूसो ब्रदर इस टास्क में लगभग सफल रहे हैं ये दोनों भाई इससे पहले साल 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वार और 2014 में आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं फिल्म में कई सारे स्पेस दूसरे प्लेनेट के सीन दर्शाए गए हैं और इन सीन को इतनी खूबसूरती ये पर्दे पर दिखाया गया है कि हर मार्बल फैन इसके लिए रूसो ब्रदर्स और सिनोमेटोग्राफर ट्रेट ओप्पोलोज को थैंक यू कहना चाहेगा एवेंजर का जिक्र हो तो फाइट वार सीक्वेंस का जिक्र न हो ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना किसी चीनी के मिठाई फिल्म के फाइट सीन इतने ज़बरदस्त है कि आप कई जगह खुद को ताली बजा बजाता या वाव कहता पाएंगे फिल्म को देखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पलके भी न झपके महज पलपों पलकों के झपकने से ही आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं डायरेक्शन का सबसे बड़ा हासिल ये भी है कि इतनी लंबी फिल्म बोर नहीं करती अवेंजर इन्फेंट्री वार की बस एक ही कमी है कि इसके कई फाइट सीक्वेंस प्रोडिक्टेबल हो जाते हैं दर्श, दर्शक के तौर पर आपको पता चल जाना थोड़ा खल जाता है लेकिन इससे भसीन बोर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे में इससे कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है अवेंजर्स में हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं जो ऐसे में बेहतरीन अभिनय उस फिल्म में दिखना लाजमी है लेकिन कुछ बड़े नाम उम्मीद के मुताबिक फिल्म मैनेजर नहीं आते ब्लैक बिडो के किरदार में स्कॉट जॉनसन फिल्म में काय सी दिखी हैं वजह यह भी है कि उन्हें कोई दमदार डायलॉग या सोलो एक्शन सीन नहीं मिला है ब्लैक पेंथर के किरदार में चैंड चैंडविक बोजमैन ने भी स्क्रीन पर बहुत ऐसा नहीं किया है जिसे फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखा जा सके एक्टिंग के मामले में थानोस का किरदार निभाने वाले जॉस ब्रोलिन का कोई जवाब नहीं है इस परे बिलन के किरदार को उन्होंने इस किरदार इस कदर निभाया है कि हाल से निकलने के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा दिमाग में रह जाता है तो वो है थानोस इस कैरेक्टर को इतना असरदार जॉस ने बनाया है कि उसकी मौजूदगी डरा देती है थानोस का पहला डायलॉग ही बेहद ज़बरदस्त है थानोस फिल्म में अपनी एंट्री के वक्त वह लोगों की लाश पर चलता हुआ कहता है यू मे थिंक दिस इज सफरिंग No इस डायलॉग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक है आपकी सोच में एक डिटेक्टर जितना बुरा हो सकता है थानोस उससे भी बुरा है और उसे पर्दे पर लेकर आए हैं जॉन ब्रेलिन जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी टोनी स्टार्क मार्बल सीरीज का सबसे बड़ा और अक्लमंद नाम है टोनी स्टार्क के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर बार की तरह बेहतरीन अभिनय किया है टोनी स्टार के मज़ेदार डायलॉग्स और आंखों के साथ खेलकर अपने डायलॉग इस इंटेंस फिल्म में भी खूब हंसाते हैं और यह फन लिमेंट वो इसलिए फिल्म में जोड़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म में भरपूर सीन दिए गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बार एमेंजर सीरीज में डेब्यू किया है यह किरदार निभा रहे ब्लैक कंबर वैश ने फिल्म के कई सीन में जान फोंक दी है जिस फीमेल एक्टर को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जगह मिली है वो है गमोरा का किरदार निभाने वाली जो सेल्टेना सेल्टेना ने भी फिल्म के कई हिस्सों को अकेले खींचा है इस फिल्म में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका गमोरा और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नजर आए हैं फिल्म में सुपर हीरोज के फैन सबसे ज्यादा हाल में सेटिस्फाई होकर लौटते हैं अवेंजर इंफेंट्री वार के लिए क्यों ना देखें जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए इस फिल्म को जरूर देखें हाँ अगर संभव हो तो इसे एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं फिल्म का हिंदी डब देखना भी बेहतरीन होगा टूनी स्टार को हिंदी में करते हैं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से कर बिग स्क्रीन पर जब अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है अवेंजर वार में तो इस बार सुपर की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपरहीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद उछा कर दिया है इतनी अपेक्षाएं कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देते हैं ये जब इतने सारे सुपर जमा हो तो फिल्म के विलन का दमदार होना जरूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की जरूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडर हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी मानी जाएगी इतने सारे सुपर हीरोज़ के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कन्फ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की के पहले इस स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मजेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थैनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी कमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार रहती है फिल्म का संपादन कमाल का है इतने सारे कलाकारों और एक्शन सीक्वेंस को बेहद सफाई के साथ जोड़ा गया है कि पूरी फिल्म बहती हुई लगती है फिल्म की हर बात भव्य है बजट स्टार सेट और इफेक्ट पर खूब पैसा बहाया गया है सीजीआई कहीं भी बनावटी या नकली नहीं लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर चौंकाता है इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं की थी फिल्म खत्म होने के पहले जो एक्शन सीक्वेंस है कमाल का है फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जू क्रिस हेमर्स मार्क राफेलो क्रिस इवानस स्कारलेट जोहसन जोस ब्रिलिन टॉम हालेंड जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थित दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं अवेंजर एवेंजर वार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा थोड़ा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थे से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है की एवेंजर्स इन्फिंटिवार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है

हाँ इस फिल्म में आपके सभी ही सुपरहीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपर हीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंध थानोश की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर भी में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली अवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही अवेंजर्स पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटों से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इनफिनिटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे एवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकान्टा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और रॉकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानों से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इन इनमें से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देख हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो की एंट्री के साथ हाल में सीटियाँ बज रही थी थानोज से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा बिल्कुल पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटिव वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफिनटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटरी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताकत है थानूज को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतज़ार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपरहीरो कमज़ोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमटन और लौकी को मार गिराया है जहां तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म ट्रेडर एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फ़िल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई टिकटों के दाम करीब पाँच सौ से एक हजार रुपए के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में सात सौ रुपए से आठ सौ रुपए के बीच थे अवेंजर्स इनफिनिटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही थनोज जैसा खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे खत्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर देता है लगभग एक दशक की मेहनत का नतीजा है अवेंजर्स एवेंजर्स इंफिटीवार अवेंजर्स इंफिटीवार में सुपर हीरो के दीवानों के लिए हर वहाँ मसाला मौजूद है जो उन्हें उनका फैन बनाने के लिए मजबूर करता है फिर इस बार सिर्फ एक या दो या तीन नहीं बल्कि ढेर सारे सुपर हीरो हैं अवेंजर की टीम से लेकर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस तक की टीम और कई सारे सुपर हीरो जो शायद कभी छोटे मोटे सीन में दिखे हैं थार का घर तबाह हो चुका है थार और उसका भाई लकी के पास ताकत नहीं बची है उधर से थानोस का कहर जारी है वह महाशक्तिशाली बनने के लिए इन्फिनटी स्टोन्स चाहता है ये इन्फिनटी स्टोन्स है जो ब्रह्मांड में अलग अलग ठिकानों पर है थानोस का इरादा इस दुनिया की आधी आबादी का खात्मा है लेकिन इसकी इस राह में रोड़े सुपर हीरो हैं थानोस के खिलाफ जंग अलग अलग ठिकानों पर चल रही है अलग अलग सुपर हीरो टकराते हैं लेकिन थानोस को रोक पाना इतना आसान नहीं है कई सुपर हीरो इस बार खतरे से भी नजर आएंगे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने सारे सुपर हीरो को संजो कर फिल्म को यादगार बनाने का काम किया है इस चक्कर में कहानी थोड़ी छितर जाती है लेकिन हीरो मजा दिलाते रहते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज़ की उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्में देख, देखने से मजा दोगुना हो जाता है डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को कहने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है परते खुलती जाती हैं हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है जहां तीन चार सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है वहां इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं वह ताज्जुब की बात है फिर हॉलीवुड में तो दो टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते लेकिन अवेंजर्स इन्फेंटी वार में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार का मौजूद है ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी अवेंजर्स सीरीज का भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा और आंकड़ा हंड्रेड करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है तो ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें जबरदस्त हैं कई फिल्मों को देखने का मजा हाल में बैठे दर्शकों के मोड पर भी निर्भर करता है एवंजर्स इन्फेंटिवार भी एक ऐसी ही फिल्म है एक बार इसे देखने तो जाइए पर्दों के दोनों और किरदारों का फौज नजर ना आए तो कहिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री पर जितनी तालियां बजती हैं उसे दोगुनी तालियां ब्लैक पैंथर की एंट्री पर उनके फैंस बजाते हैं मनो दोनों गुटों में कोई होट चल रही हो आप जितना फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं उतना ही है इस माहौल का हाँ तो दोस्तों खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन हल्का और उनके बाकी एवेंजर्स भाई बंधु पर ऐसा तो तभी होता है जब बिलन इतना दमदार हो कि उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी एक सुपर हीरो की शक्ति काफ़ी ना हो इस बार यह बिलन सामने आया है थानोस के रूम में इतने सारे सुपर हीरोज़ को एक साथ पर्दे पर देखना हमारे लिए भले ही करिश्माई हो निर्देशन के नज़रिए से यह यकीन चुनौती भरा रहा होगा इससे किसी सुपर हीरो के सामना इंसाफी ना हो पाए हर किसी की मौजूदगी भले ही लंबी ना हो पर इतनी जरूर हो कि वह बेवजह ना लगे निर्देशक जोड़ी एंथनी रोसो और जो रोसो ने यह काम बाखूबी किया है फिल्म शुरू होती है थार लोकी और हल्क की बिलन थेनोस के साथ एक जोरदार भिड़ के साथ जब ये तीनों महारथी मिलकर भी थैनोस को हरा नहीं पाते हैं तभी यह जाहिर हो जाता है कि इतने सारे सुपर हीरोज की फौज इकट्ठा करने की नौबत क्यों आई थानोस का मकसद है कुछ विशेष चमत्कारिक रत्नों को इकट्ठा करना ताकि उसकी शक्ति में छाबा हो सके वह ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए आधे प्राणियों का खात्मा कर देना चाहता है इन्हीं रत्नों की तलाश में वह एक एक कर उन सभी अंजर से भिड़ता है जिनके पास ये रत्न है कहानी में फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदार स्टार लॉर्ड रॉकेट गैमोरा ग्रूट मैंटिस नेबूला और ड्रैक्स भी हैं फिल्म में एक्शन के अलावा कॉमेडी और भावनाओं का भी अच्छा संतुलन बनाया गया है हिंदी में डब संस्कृत के कई संवाद बेहद मजेदार हैं एक दृश्य में जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के किरदारों की शीशे पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक शरीर आकर गिरता है तो राकेट तुरंत चिल्लाता है ए वाइपर मार जल्दी अगर भावात्मक पक्ष की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के बीच के संवाद उनका पहले विरोधाभाषी और फिर एकमत होना चौंकाता है इसी तरह यह रहस्य उद्यान की कोमोरा दरअसल थानोस की बेटी है और फिर उनके बीच के घटनाक्रम भी प्रभावित करते हैं फिल्म दर्शकों के मन में हजारों सवाल खड़े करते हुए ख़त्म हो जाती है और पता लगता है कि इसके आगे की कहानी अगले साल देखने को मिलेगी यानी श्रृंखला की, की अगली फिल्म में कुछ किरदारों को कम समय के लिए दिखाया गया है कुछ को ज़्यादा समय के लिए इसके इससे किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ढाई घंटे में इतने किरदार दिखाना आसान नहीं था आखिर सबसे बड़ा किरदार तो कहानी ही है एक्टिंग के लिहाज से सभी का काम अच्छा रहा खासतौर पर रॉबर्ट डाउनी क्रिस हैमवर्थ मार्क रफेलो जो अल्डाना और जॉर्ज ब्रालिन का फिल्म के स्पेशल इफेक्ट काफ़ी प्रभावी है और साथ ही इसका पार संगीत भी थ्री के इफेक्ट के साथ फिल्म बेहद ज़बरदस्त लगती है मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो शुक्रवार को आखिरकार खत्म हो गया था इस फिल्म में बड़े सुपर हीरो को दिखाया गया है इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं दिखाए गए हैं इसके अलावा थानो जैसा खतरनाक और ताकतवर विलन फिल्म को और भी रोमांच बनाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का एक दशक की मेहनत का नतीजा है फिल्म में वह सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफ़ी हैं फिल्म की कहानी पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थानोस से मुकाबला करने का फैसला करते हैं क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है वह करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोज को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज़ की एक उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले एवेंजर्स सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पेंथर जैसी फिल्में पहले से देख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस फिल्म को देखने का आपका मजा दोगुना हो जाएगा फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को बया करने की कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और साथ ही सभी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दिए हैं फिल्म पूरे ढाई घंटे दर्शकों को अपने साथ बांधे रखने में कामयाब है फिल्म में एकमात्र बिलंथ हनोष की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है अगर आपने अवेंजर सीरीज़ की फिल्में देखी हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें अवेंजर्स इन्फेंटिव वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है और यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी है पहले मैं प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के 1500 1500 साथ, साथ चले थे इस फिल्म के लिए मार्वल स्टूडियो ने काफी भारी भर का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फिली की तरफ की तारीफ की जानी चाहिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वार के ट्रेलर का डायलॉग ही इस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म का सार है इन्फिनिटी वार मार्बल सिनोमेटिक स्टूडियो की उन्नीसवीं और एवेंजर सीरीज की तीसरी फिल्म है इस फिल्म के साथ अब तक की सबसे लंबी मार्बल फिल्म होने का खिताब भी जुड़ गया है अवेंजर का नाम आते ही जेहन में बेहतरीन फाइट सीक्वेंस निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन हल्के आते हैं लेकिन इस अवेंजर इन्फिनिटी वार में मार्बल के बीस बड़े करेक्टर एक साथ नजर आए हैं ये सभी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन इ, लेकिन इस बार मार्बल की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में ये काम का सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इस सुपर हीरो कहानी में सभी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सुपर हीरो रिश्ते के आगे मजबूर होते हैं ऐसे में दुनिया और अपने रिश्ते दोनों के बीच में से एक को बचाने की स्थिति में वो भी हमारी आपकी तरह कमज़ोर पड़ते हैं रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म में पूरी मार्बल फैमिली को जुटाया है और कभी और सभी कैरेक्टर को इतने सीन दिए हैं कि उनकी प्रजेंस आप मिस नहीं करते यानी एक डायरेक्टर के तौर पर इतने सारे कैरेक्टर्स को जरूरी स्क्रीन स्पेस दे पाना रूसो ब्रदर्स की काबिलियत को डिफाइन करता है जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए सुपर हीरोज की यह फिल्म है जिसने मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज़ को जगह दी गई है दरअसल ये फिल्म में इन हीरोज़ की नहीं बल्कि फिल्म के बिलन थानोस यानी जॉस ब्रोलिन की है फिल्म के पहले सीन से लेकर अंत तक हर सुपर हीरो के साथ जो एक कैरेक्टर दिखता है वो है थानोस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म में लगभग हर पाँच मिनट बाद स्क्रीन पर यह पर्पल ब्लास विशाल का शख्स सामने आता है वो इतना क्रूर है जितना सोच भी सोचा भी नहीं जा सकता ये ऐसी सुपर हीरो फिल्म

जहां उसका संवाद लोकी टॉम एल्टनसन के साथ होता है वही लोकी जिसने आपने थार में देखा है थेनोस जिसे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है उसके लिए लोकी का या डायलॉग यू कैन नेवर बी ए गॉड फिल्म में पहले ही सीन को इतना ज़बरदस्त बना देता है कि सिनेमा हाल तालियों से गूंज पड़ता है पर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो को इन्फिनिटी स्टोन बचाने हैं स्टोन यानी जोस जोस ब्रेलिन आधे यूनिवर्स को लोगों को ख़त्म करना चाहता है ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिक ये है कि फिल्म में लिमिटेड रिसोर्स हैं जब लोग ज़्यादा होते हैं तो भी रिसोर्स सीमित रहते हैं और ऐसे में दुनिया का स्वरूप बिगड़ रहा है लोगों के जीवन जीने का तरीका इससे प्रभावित होता है तनुष के पास इसका सोलूशन है वो आधे यूनिवर्स के लोगों को ख़त्म करना चाहता है ताकि उतने ही लोग जिंदा रहे जिनके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हों वो लोग, लोगों को मारकर आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है ऐसा करना उसके लिए तब संभव होगा जब उसके पास इन्फिटी स्टोन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में कुल छः इन्फेंट्री स्टोन हैं जिसे दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इनफिनट्री स्टोन्स मिलने के बाद इस यूनिवर्स को तबाह करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा थनोस तो को ये इन्फेंट्री स्टोन किसी भी कीमत पर चाहिए कुल छः में से दो इन्फेंट्री स्टोन धरती पर हैं जिसके लिए उसे धरती पर आना है धरती पर एक ही सुपर हीरो की एक फौज है जिसे निक फ्यूरी ने बनाया है इस टीम को ही एवेंजर्स कहते हैं इन्फेंट्री स्टोन्स की खोज में थानोस धरती पर आता है और एवेंजर्स को थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकता है थानोस दुनिया को ख़त्म कर सकता है और अवेंजर्स ऐसा होने नहीं देंगे ये लड़ाई इस बार आसान नहीं है अकेला थानोस और उसका इन्फेंटी स्टोन वाला सात सभी सुपर हीरोज पर भारी पड़ा है इस बार अवेंजर्स की टीम बड़ी हो गई है जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका थार ब्लैक ब्लैकबिडो डॉक्टर स्टेंज स्परमैन बिजन गमोरा नेबुला, स्टार लॉर्ड और भी कई लोकप्रिय मार्बल सुपर पावर हीरो शामिल हैं इस फिल्म का स्पायलर देना सही नहीं होगा लेकिन एक बात जो मन में खटकती है वो है फिल्म का अंत फिल्म ऐसी जगह खत्म होती है जो आपको परेशान और सन्न कर देगी इसके लिए अंग्रेजी के दो शब्द मेरे मन में फिल्म को देखते वक्त आए थे वो थे बिजार अनप्रडिक्टेबल फिल्म जिस मोड़ पर ख़त्म होती है उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता ये ही फिल्म को बेहतर भी बनाता है और कई मायनों में फिल्म को बीच में ही छोड़ देता है ये अंत आखिर है क्या आप सिनेमा हॉल में जाकर खुद देखिए रूसो ब्रदर्स एंटनी रूसो जो रूसो ने अवेंजर इन्फेंट्री वार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर हीरोज की फिल्में पहले से ही कई उम्मीदों के बोत तले दबी होती हैं और जब यह फिल्म अवेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं एक फिल्म में कई बड़े सुपर हीरोज़ का होना और सभी के फैंस को खुश करने करते हुए उन्हें स्क्रीन पर अच्छे सीन और डायलॉग दे पाना एक कठिन काम है लेकिन रूसो ब्रदर इस टास्क में लगभग सफल रहे हैं ये दोनों भाई इससे पहले साल 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वार और 2014 में आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं फिल्म में कई सारे स्पेस दूसरे प्लानेट के सीन दर्शाए गए हैं और इन सीन को इतनी खूबसूरती ये पर्दे पर दिखाया गया है कि हर मार्बल फैन इसके लिए रूसो ब्रदर्स और सिनोमेटोग्राफर ट्रेट ओप्पोलोज को थैंक यू कहना चाहेगा एवेंजर का जिक्र हो तो फाइट वार सीक्वेंस का जिक्र ना हो ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना किसी चीनी के मिठाई फिल्म के फाइट सीन इतने ज़बरदस्त है कि आप कई जगह खुद को ताली बजा बजाता या वाव कहता पाएंगे फिल्म को देखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पलके भी न झपके महज पलकों पलकों के झपकने से ही आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं डायरेक्शन का सबसे बड़ा हासिल ये भी है कि इतनी लंबी फिल्म बोर नहीं करती अवेंजर इन्फेंटी वार की बस एक ही कमी है कि इसके कई फाइट सीक्वेंस प्रोडिक्टेबल हो जाते हैं दर्श दर्शक के तौर पर आपको पता चल जाना थोड़ा खल जाता है लेकिन इससे बसीन बोर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे में इस कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है एवंजस में हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं जो ऐसे में बेहतरीन अभिनय उस फिल्म में दिखना लाजमी है लेकिन कुछ बड़े नाम उम्मीद के मुताबिक फिल्म, फिल्म में नजर नहीं आते ब्लैक बिटो के किरदार में स्काट जॉनसन फिल्म में काय सी दिखी हैं वजह यह भी है कि उन्हें कोई दमदार डायलॉग या चलो एक्शन सीन नहीं मिला है ब्लैक पेंथर के किरदार में चैंड बोजमैन ने भी स्क्रीन पर बहुत ऐसा नहीं किया है जिसे फिल्म ख़त्म होने के बाद भी याद रखा जा सके एक्टिंग के मामले में थानोस का किरदार निभाने वाले जॉस जौ, ब्रोलिन का कोई जवाब नहीं है इस परे बिलन के किरदार को उन्होंने इस किरदार इस कदर निभाया है कि हाल से निकलने के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा दिमाग में रह जाता है तो वो है थानोस इस कैरेक्टर को इतना असरदार जॉस ने बनाया है कि उसकी मौजूदगी डरा देती है थानोस का पहला डायलॉग ही बेहद ज़बरदस्त है थानोस फिल्म में अपनी एंट्री के वक्त वह लोगों की लाश पर चलता हुआ कहता है यू मे थिंक दिस इज सफरिंग नो इट्स सल इस डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक है आपकी सोच में एक डिटेक्टर जितना बुरा हो सकता है थानोस उससे भी बुरा है और उसे पर्दे पर लेकर आए हैं जॉन ब्रेलिन जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी टोनी स्टार मार्बल सीरीज तक का सबसे बड़ा और अक्लमंद नाम है टोनी स्टार के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर बार की तरह बेहतरीन अभिनय किया है टोनी स्टार के मज़ेदार डायलॉग्स और आंखों के साथ खेलकर अपने डायलॉग इस इंटेंस फिल्म में भी खूब हंसाते हैं और यह फन लिमेंट वो इसलिए फिल्म में जोड़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म में भरपूर सीन दिए गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बार एवेंजर सीरीज में डेब्यू किया है यह किरदार निभा रहे ब्लैक ड्रेंस कंबर वैश ने फिल्म के कई सीन में जान फूक दी है जिस फीमेल एक्टर को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जगह मिली है वो है गमोरा का किरदार निभाने वाली जो सेल्टेना सेल्टेना ने भी फिल्म के कई हिस्सों को अकेले खींचा है इस फिल्म में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका गमोरा और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नजर आए हैं फिल्म में सुपर हीरोज के फैन सबसे ज्यादा हाल में सेटिस्फाई होकर लौटते हैं अवेंजर इंफेंट्री वार के लिए क्यों ना देखें जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए इस फिल्म को जरूर देखें हाँ अगर संभव हो तो इसे एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं फिल्म का हिंदी डब देखना भी बेहतरीन होगा टूनी स्टार को हिंदी में करते हैं वो हर अंग्रेजी विषयों को भी देखना चाहिए वार को भारत में हिंदी में प्रमोट किया जा गया है इसके दो ट्रेलर हिंदी में आए जो काफ़ी मज़ेदार रहे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खरी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है एवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से निकलकर बिग स्क्रीन पर जब ये अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है एवंजर इन्फिनटी वार में तो इस बार सुपर हीरोज़ की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपर हीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊँचा कर दिया है इतनी अपेक्षाएँ कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को, को भरपूर मनोरंजन देते हैं ये जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के बिलन का दमदार होना जरूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं

उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडरमैन हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी नहीं जाएगी। इतने सारे सुपर के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार रहती है। फिल्म का संपादन कमाल का है। इतने सारे कलाकारों और एक्शन सीक्वेंस को सफाई के साथ गया है सीजीआई कहीं भी या नकली नहीं लगते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर चौंकाता है इस तरह के अंत की उम्मीद नहीं की थी फिल्म खत्म होने के पहले जो एक्शन सीक्वेंस है कमाल का है फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जू क्रिस हैमर्स मार्क राफेलो क्रिस ओवानस स्कारलेट जोहसन जोस बर्लिन टॉम हाल जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं अवेंजर एवेंजर वार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा थोड़ा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थे से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे बड़े सुपर हीरो मिलकर उसे एक साथ रोकने का फैसला करते हैं सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है की एवेंजर्स इन्फिंटिवार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है

है हाँ इस फिल्म में आपके सभी सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपर हीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंध थानोस की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर हीरोज भी ताजुब में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली एवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही एवेंजर पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटों से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे अवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकांटा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और राकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानों से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इनमें इन से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो के एंट्री के साथ हाल में सीटिया बज रही थी थानोज से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानोस जैसा बिल्कुल पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्टेंच को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्टेंच भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटी वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफिनटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताक़त है थानूष को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतज़ार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपर हीरो कमजोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमडन और लोकी को मार गिराया है जहाँ तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म ट्रेडर एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फ़िल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई टिकटों के दाम करीब पाँच सौ से एक हजार रुपए के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में सात सौ रुपए से आठ सौ रुपए के बीच थे की सारी बिक चुकी थी अवेंजर्स इन्फिंटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही थनोज जैसा खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे खत्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर देता है लगभग एक दशक की मेहनत का नतीजा है अवेंजर्स एवेंजर्स इंफिटीवार अवेंजर्स इन्फिटीवार में सुपर हीरो के दीवानों के लिए हर वहाँ मसाला मौजूद है जो उन्हें उनका फैन बनाने के लिए मजबूर करता है फिर इस बार सिर्फ एक या दो या तीन नहीं बल्कि ढेर सारे सुपर हीरो हैं अवेंजर की टीम से लेकर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस तक की टीम और कई सारे सुपर हीरो जो शायद कभी छोटे मोटे सीन में दिखे हैं थार का घर तबाह हो चुका है थार और उसका भाई लकी के पास ताकत नहीं बची है उधर से थानोस का कहर जारी है वह महाशक्तिशाली बनने के लिए इन्फिनटी स्टोन्स चाहता है ये इन्फिनटी स्टोन्स है जो ब्रह्मांड में अलग अलग ठिकानों पर है थानोस का इरादा इस दुनिया की आधी आबादी का खात्मा है लेकिन इसकी इस राह में रोड़े सुपर हीरो हैं थानोस के खिलाफ जंग अलग अलग ठिकानों पर चल रही है अलग अलग सुपर हीरो टकराते हैं लेकिन थानोस को रोक पाना इतना आसान नहीं है कई सुपर हीरो इस बार खतरे से भी नजर आएंगे लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने सारे सुपर हीरो को संजोकर फिल्म को यादगार बनाने का काम किया है इस चक्कर में कहानी थोड़ी छितर जाती है लेकिन सुपर हीरो मजा दिलाते रहते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज़ की उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पैंथर जैसी फिल्में देख, देखने से मज़ा दोगुना हो जाता है डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को कहने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और फिल्म जैसे तैसे आगे बढ़ती है पर तय खुलती जाती हैं हॉलीवुड ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है जहां तीन चार सुपर हीरो वाली फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है वहां इस तादाद में सुपर हीरो लाए गए हैं वह ताजुब की बात है फिर हाल हॉलीवुड में तो दो टॉप एक्टर एक साथ काम करने को तैयार नहीं होते लेकिन अमेंजर इन्फेंटिवार में हॉलीवुड के अधिकतर सुपरस्टार और विश्व प्रसिद्ध कलाकार काम मौजूद है ये फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो फैंस के लिए है और वैसे भी अवंजर सीरीज का भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा और आंकड़ा हंड्रेड करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है तो ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें जबरदस्त हैं कई फिल्मों को देखने का मज़ा हाल में बैठे दर्शकों के मूड पर भी निर्भर करता है एवंजर्स इंफेंट्री वार भी एक ऐसी ही फिल्म है एक बार इसे देखने तो जाइए पर्दों के दोनों और किरदारों का फौज नज़र ना आए तो कहिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री पर जितनी तालियां बजती हैं उसे दोगुनी तालियां ब्लैक पैंथर की एंट्री पर उनके फैंस बजाते हैं मनो दोनों गुटों में कोई होट चल रही हो आप जितना फिल्म का लुत्फ उठा रहे होते हैं उतना ही है इस माहौल का हाँ तो दोस्तों खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं आयरन मैन स्पार्डरमैन हल्क और उनके बाकी एवेंजर्स भाई बंधु पर ऐसा तो तभी होता है जब बिलन इतना दमदार हो कि उसे ठिकाने लगाने के लिए किसी एक सुपर हीरो की शक्ति काफी ना हो इस बार यह बिलन सामने आया है थानोस के रूम में इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ पर्दे पर देखना हमारे लिए भले ही करिश्माई हो निर्देशन के नजरिए से यह यहन चुनौती भरा रहा होगा इसे किसी सुपर हीरो के सामना इंसाफी न हो पाए हर किसी की मौजूदगी भले ही लंबी ना हो पर इतनी जरूर हो कि वह बेवजह ना लगे निर्देशक जोड़ी एंथोनी रोसो और जो रोसो ने यह काम बाखूबी किया है फिल्म शुरू होती है थार लोकी और हल्क की बिलन थैनोस के साथ एक जोरदार भिड़ के साथ जब ये तीनों महारथी मिलकर भी थैनोस को हरा नहीं पाते हैं तभी यह जाहिर हो जाता है कि इतने सारे सुपर हीरोज की फौज इकट्ठा करने की नौबत क्यों आई थानोस का मकसद है कुछ विशेष चमत्कारिक रत्नों को इकट्ठा करना ताकि उसकी शक्ति में छाबा हो सके वह ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए आधे प्राणियों का खात्मा कर देना चाहता है इन्हीं रत्नों की तलाश में वह एक एक कर उन सभी अंजर से भिड़ता है जिनके पास ये रत्न है कहानी में फिल्म गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू के किरदार स्टार लॉर्ड रॉकेट गैमोरा ग्रूट मैंटिस नेब्यूला और ड्रैक्स भी हैं फिल्म में एक्शन के अलावा कॉमेडी और भावनाओं का भी अच्छा संतुलन बनाया गया है हिंदी में डब संस्कृत के कई संवाद बेहद मजेदार हैं एक दृश्य में जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के किरदारों की शीशे पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक शरीर आकर गिरता है तो राकेट तुरंत चिल्लाता है ए वाइपर मार जल्दी अगर भावात्मक पक्ष की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के बीच के संवाद उनका पहले विरोधाभाषी और फिर एकमत होना चौंकाता है इसी तरह यह रहस्य उद्यान की कोमोरा दरअसल थनोस की बेटी है और फिर उनके बीच के घटनाक्रम भी प्रभावित करते हैं फिल्म दर्शकों के मन में हजारों सवाल खड़े करते हुए ख़त्म हो जाती है और पता लगता है कि इसके आगे की कहानी अगले साल देखने को मिलेगी यानी श्रृंखला की, की अगली फिल्म में कुछ किरदारों को कम समय के लिए दिखाया गया है कुछ को ज़्यादा समय के लिए इसके इससे किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ढाई घंटे में इतने किरदार दिखाना आसान नहीं था आखिर सबसे बड़ा किरदार तो कहानी ही है एक्टिंग के लिहाज से सभी का काम अच्छा रहा खासतौर पर रॉबर्ट डाउनी क्रिस हैमवर्थ मार्क रफेलो जो अल्डाना और जॉर्ज ब्रालिन का फिल्म के स्पेशल इफेक्ट काफ़ी प्रभावी है और साथ ही इसका पार संगीत भी थ्री के इफेक्ट के साथ फिल्म बेहद ज़बरदस्त लगती है मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो पर आधारित फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जो शुक्रवार को आखिरकार ख़त्म हो गया था इस फिल्म में बड़े सुपर हीरो को दिखाया गया है इतने सुपर हीरो एक साथ किसी भी फिल्म में कभी नहीं दिखाए गए हैं इसके अलावा थानो जैसा खतरनाक और ताकतवर विलन फिल्म को और भी रोमांच बनाता है एवंजर्स इन्फिनिटी वार का एक दशक की मेहनत का नतीजा है फिल्म में वह सारे मसाले हैं जो दर्शकों को अपना फैन बनाने के लिए काफ़ी हैं फिल्म की कहानी पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने पर आधारित है मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थानोज से मुकाबला करने का फैसला करते हैं क्योंकि उसने धरती को खत्म करने की धमकी दी है वह करीब करीब सभी ग्रहों पर कब्जा कर लेता है इसके बाद सारे सुपर हीरो मिलकर थानोज को रोकने के लिए हाथ मिलाते हैं मार्बल सुपर हीरो सीरीज की एक उन्नीसवीं फिल्म है और इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले अवेंजर सीरीज कैप्टन अमेरिका सीरीज और ब्लैक पेंथर जैसी फिल्में पहले से देख लें अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इस फिल्म को देखने का आपका मजा दोगुना हो जाएगा फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है और कहानी को बयां करने की कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है परतें खुलती जाती हैं पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है और साथ ही सभी अपने अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दिए हैं फिल्म पूरे ढाई घंटे दर्शकों को अपने साथ बांधे रखने में कामयाब है फिल्म में एकमात्र बिलंथ हनोष की भूमिका को काफ़ी मजबूत बनाया गया है अगर आपने अवेंजर सीरीज़ की फिल्में देखी हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें अवेंजर्स इन्फेंटिव वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है और यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी है पहले मैं प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के 1500 1500 साथ, साथ चले थे इस फिल्म के लिए मार्बल स्टूडियो ने काफी भारी भर का मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्क्स और स्टीफन मैक फिली की तरफ की तारीफ की जानी चाहिए अवेंजर्स इन्फिनिटी वार के ट्रेलर का डायलॉग ही इस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म का सार है इन्फिनिटी वार मार्बल सिनोमेटिक स्टूडियो की उन्नीसवीं और एवेंजर सीरीज की तीसरी फिल्म है इस फिल्म के साथ अब तक की सबसे लंबी मार्बल फिल्म होने का खिताब भी जुड़ गया है अवेंजर का नाम आते ही जेहन में बेहतरीन फाइट सिक्वेंस निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन हल्के आते हैं लेकिन इस अवेंजर इन्फिनिटी वार में मार्बल के बीस बड़े एक साथ नजर आए हैं ये सभी दुनिया को बचाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन इ, लेकिन इस बार मार्बल की दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई में ये काम का सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है इस बार इस सुपर हीरो कहानी में सभी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे सुपर हीरो रिश्ते के आगे मजबूर होते हैं ऐसे में दुनिया और अपने रिश्ते दोनों के बीच में से एक को बचाने की स्थिति में वो भी हमारी आपकी तरह कमज़ोर पड़ते हैं रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म में पूरी मार्बल फैमिली को जुटाया है और कभी और सभी कैरेक्टर को इतने सीन दिए हैं कि उनकी प्रजेंस आप मिस नहीं करते यानी एक डायरेक्टर के तौर पर इतने सारे कैरेक्टर्स को जरूरी स्क्रीन स्पेस दे पाना रूसो बर्दाश्त की काबिलियत को डिफ़ाइन करता है जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए सुपर हीरोज की यह फिल्म है जिसने मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लगभग सभी हीरोज़ को जगह दी गई है दरअसल ये फिल्म में इन हीरोज़ की नहीं बल्कि फिल्म के बिलन थानोस यानी जॉस ब्रोलिन की है फिल्म के पहले सीन से लेकर अंत तक हर सुपर हीरो के साथ जो एक करेक्टर दिखता है वो है थानोस दो घंटे चालीस मिनट की फिल्म में लगभग हर पाँच मिनट बाद स्क्रीन पर यह पर्पल ब्लास विशाल का शख्स सामने आता है वो इतना क्रूर है जितना सोच भी सोचा भी नहीं जा सकता ये ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जहां सुपर हीरो जैसा हाई और मजबूर नजर आते हैं और ये सब हो रहा है थानोस के कारण थानोस वो है जो मार्बल के सबसे पावरफुल हीरो थार यानी क्रिस हेमोर्स को लाचार कर देता है बहरहाल यहां फिल्म को लेकर कई स्पॉलर देना मकसद नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि थानोस वो है जो अब तक का कोई भी विलन नहीं बन पाया वो बुरा नहीं बहुत बुरा है फिल्म का ओपनिंग सीन भी काफी डार्क है धनुज एक प्लेनेट पर बात कर चुका है जहां उसका संवाद लोकी टॉम एल्डनसन के साथ होता है वही लोकी जिसने आपने थार में देखा है थे जिसे इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल बनना है उसके लिए लोकी का यह डायलॉग यू कैन नेवर बी ए गॉड फिल्म में पहले ही सीन को इतना जबरदस्त बना देता है कि सिनेमा हाल तालियों से गूंज पड़ता है पर सुपर हीरो फिल्म की तरह यहाँ भी सुपर हीरो दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए सुपर हीरो को इन्फिंट्री स्टोन बचाने हैं स्टोन एंड जोस जोस ब्रेलिन आधे यूनिवर्स को लोगों को खत्म करना चाहता है ऐसा करने के पीछे उसका लॉजिक ये है कि फिल्म में लिमिटेड रिसोर्स है जब लोग ज्यादा होते हैं तो भी रिसोर्सेस सीमित रहते हैं और ऐसे में दुनिया का स्वरूप बिगड़ रहा है लोगों के जीवन जीने का तरीका इससे प्रभावित होता है तनुष के पास इसका सोलूशन है वो आधे यूनिवर्स के लोगों को ख़त्म करना चाहता है ताकि उतने ही लोग जिंदा रहे जिनके लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हों वो लोग, लोगों को मारकर आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर दुनिया बनाना चाह रहा है ऐसा करना उसके लिए तब संभव होगा जब उसके पास इनफिनिटी स्टोन्स होंगे पूरे ब्रह्मांड में कुल छः इनफिनिटी स्टोन हैं जिसे दुनिया में सब कुछ मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इनफिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद इस यूनिवर्स को तबाह करना चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा थनोस को ये इन्फेंट्री स्टोन किसी भी कीमत पर चाहिए कुल छः में से दो इन्फेंट्री स्टोन धरती पर हैं जिसके लिए उसे धरती पर आना है धरती पर एक ही सुपर हीरो की एक फौज है जिसे निक फ्यूरी ने बनाया है इस टीम को ही एवेंजर्स कहते हैं इन्फेंट्री स्टोन्स की खोज में थानोस धरती पर आता है और एवेंजर्स को थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने से रोकता है थानोस दुनिया को ख़त्म कर सकता है और अवेंजर्स ऐसा होने नहीं देंगे ये लड़ाई इस बार आसान नहीं है अकेला थानोस और उसका इन्फेंटी स्टोन वाला सात सभी सुपर हीरोज पर भारी पड़ा है इस बार अवेंजर्स की टीम बड़ी हो गई है जिसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका थार ब्लैक ब्लैकबिडो डॉक्टर स्टेंज स्परमैन बिजन गमोरा नेबुला, स्टार लॉर्ड और भी कई लोकप्रिय मार्बल सुपर पावर हीरो शामिल हैं इस फिल्म का स्पायलर देना सही नहीं होगा लेकिन एक बात जो मन में खटकती है वो है फिल्म का अंत फिल्म ऐसी जगह खत्म होती है जो आपको परेशान और सन्न कर देगी इसके लिए अंग्रेजी के दो शब्द मेरे मन में फिल्म को देखते वक्त आए थे वो थे बिजार अनप्रडिक्टेबल फिल्म जिस मोड़ पर ख़त्म होती है उसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता ये ही फिल्म को बेहतर भी बनाता है और कई मायनों में फिल्म को बीच में ही छोड़ देता है ये अंत आखिर है क्या आप सिनेमा हॉल में जाकर खुद देखिए रूसो ब्रदर्स एंट्री रूसो जो रूसो ने अवेंजर इन्फेंट्री वार को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर हीरोज की फिल्में पहले से ही कई उम्मीदों के बोतले दबी होती हैं और जब यह फिल्म अवेंजर फ्रेंचाइजी का हिस्सा हो तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं एक फिल्म में कई बड़े सुपर हीरोज़ का होना और सभी के फैंस को खुश करने करते हुए उन्हें स्क्रीन पर अच्छे सीन और डायलॉग दे पाना एक कठिन काम है लेकिन रूसो ब्रदर इस टास्क में लगभग सफल रहे हैं ये दोनों भाई इससे पहले साल 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वार और 2014 में आई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं फिल्म में कई सारे स्पेस दूसरे प्लेनेट के सीन दर्शाए गए हैं और इन सीन को इतनी खूबसूरती ये पर्दे पर दिखाया गया है कि हर मार्बल फैन इसके लिए रूसो ब्रदर्स और सिनोमेटोग्राफर ट्रेट ओप्पोलोज को थैंक यू कहना चाहेगा एवेंजर का जिक्र हो तो फाइट वार सीक्वेंस का जिक्र ना हो ये उतना ही इम्पॉसिबल है जितना किसी चीनी के मिठाई फिल्म के फाइट सीन इतने ज़बरदस्त है कि आप कई जगह खुद को ताली बजा बजाता या वाव कहता पाएंगे फिल्म को देखते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि पलके भी न झपके महज पलकों पलकों के झपकने से ही आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं डायरेक्शन का सबसे बड़ा हासिल ये भी है कि इतनी लंबी फिल्म बोर नहीं करती अवेंजर इन्फेंट्री वार की बस एक ही कमी है कि इसके कई फाइट सीक्वेंस प्रोडिक्टेबल हो जाते हैं दर्श दर्शक के तौर पर आपको पता चल जाना थोड़ा खल जाता है लेकिन इससे बसीन बोर बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे में इस कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है एवंजस में हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं जो ऐसे में बेहतरीन अभिनय उस फिल्म में दिखना लाजमी है लेकिन कुछ बड़े नाम उम्मीद के मुताबिक फिल्म में नज़र नहीं आते ब्लैक विडो के किरदार में स्का जॉनसन फिल्म में काएपसी दिखी हैं वजह यह भी है कि उन्हें कोई दमदार डायलॉग या सोलो एक्शन सीन नहीं मिला है ब्लैक पेंथर के किरदार में चैंड बिक बोजमैन ने भी स्क्रीन पर बहुत ऐसा नहीं किया है जिसे फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखा जा सके एक्टिंग के मामले में थानोस का किरदार निभाने वाले जॉस जौ, ब्रोलिन का कोई जवाब नहीं है इस परे बिलन के किरदार को उन्होंने इस किरदार इस कदर निभाया है कि हाल से निकलने के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा दिमाग में रह जाता है तो वो है थानोस इस कैरेक्टर को इतना असरदार जॉस ने बनाया है कि उसकी मौजूदगी डरा देती है थानोस का पहला डायलॉग ही बेहद ज़बरदस्त है थानोस फिल्म में अपनी एंट्री के वक्त वह लोगों की लाश पर चलता हुआ कहता है यू मे थिंक दिस इज सफरिंग नो no एट्सन इस डायलॉग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भयानक है आपकी सोच में एक डिटेक्टर जितना बुरा हो सकता है थानोस उससे भी बुरा है और उसे पर्दे पर लेकर आए हैं जॉन ब्रेलिन जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी टोनी स्टार्क मार्बल सीरीज का सबसे बड़ा और अक्लमंद नाम है टोनी स्टार्क के किरदार में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आ, हर बार की तरह बेहतरीन अभिनय किया है टोनी स्टार के मज़ेदार डायलॉग्स और आँखों के साथ खेलकर अपने डायलॉग इस इंटेंस फिल्म में भी खूब हंसाते हैं और यह फन लिमेंट वो इसलिए फिल्म में जोड़ पाते हैं क्योंकि उन्हें फिल्म में भरपूर सीन दिए गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बार एमेंजर सीरीज में डेब्यू किया है यह किरदार निभा रहे ब्लैक डेंस कंबर वैश ने फिल्म के कई सीन में जान फोंक दी है जिस फीमेल एक्टर को इस फिल्म में सबसे ज्यादा जगह मिली है वह है गमोरा का किरदार निभाने वाली जो सेल्टेना सेल्टेना ने भी फिल्म के कई हिस्सों को अकेले खींचा है इस फिल्म में आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज, थार कैप्टन अमेरिका गमोरा और जाहिर तौर पर थानोस सबसे ज्यादा नजर आए हैं फिल्म में सुपर हीरोज के फैन सबसे ज्यादा हाल में सेटिस्फाई च... होकर लौटते हैं अवेंजर इन्फिनिटी वार के लिए क्यों ना देखें जैसा सवाल होना ही नहीं चाहिए इस फिल्म को जरूर देखें हाँ अगर संभव हो तो इसे एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं फिल्म का हिंदी डब देखना भी बेहतरीन होगा टोनी स्टार को हिंदी में करते हैं वो हर अंग्रेजी विषय को भी देखना चाहिए इन्फिनिटी वार को भारत में हिंदी में प्रमोट किया जा गया है इसके दो ट्रेलर हिंदी में आए जो काफी मजेदार रहे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुद्ध मनोरंजन की कसौटी पर खड़ी उतरती हैं इन्हें पॉपकॉर्न और कोला के साथ देखने का मजा ही कुछ और होता है अवेंजर सीरीज की फिल्में इसी तरह की हैं जिनमें कई सुपर हीरो को एक साथ देखने का सुकून मिलता है कॉमिक्स से निकल कर बिग स्क्रीन पर जब ये अपने कारनामे दिखाते हैं तो लोग रोमांच का मजा लोगों के रोमांच का मजा कई गुना बढ़ जाता है अवेंजर इन्फिनिटी वार में तो इस बार सुपर हीरोज़ की भरमार है निर्देशक रूसो बर्दर्स ने तमाम सुपर हीरो को जमा कर अपेक्षाओं को बेहद ऊँचा कर दिया है इतनी अपेक्षाएँ कई बार फिल्म पर भारी पड़ जाती हैं लेकिन एंथनी रूसो और जो रूसो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं और दर्शकों को, को भरपूर मनोरंजन देते हैं ये जब इतने सारे सुपर हीरो जमा हो तो फिल्म के बिलन का दमदार होना जरूरी है लगना चाहिए कि इससे टक्कर लेने के लिए कई सुपर हीरो की ज़रूरत है थेनोस के इरादे नेक नहीं हैं you sure. उससे उन स्टोन्स की तलाश है जिसे पाकर वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है और पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है लेकिन स्टोन्स और थानोस के बीच आयरन मैन स्पॉडरमैन हल्क थॉर कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स ब्लैक विडो जैसे तमाम योद्धा हैं जो पृथ्वी को सर्वनाश से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एक लाइन की कहानी पर ढाई घंटे तक दर्शकों को थिएटर में बैठाए रखना निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो की कामयाबी नहीं जाएगी। इतने सारे सुपर के बीच उन्होंने संतुलन बनाए रखा और कहीं भी दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होने दिया उनका कहानी कहने का तरीका इतना सटीक है कि दर्शकों को हर बात समझ में आती है और इतने सारे किरदारों हो, किरदार होने के बावजूद वह भ्रमित नहीं होता हर सुपर हीरो की एंट्री के पहले स्क्रिप्ट में जरूरत पैदा की गई है कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जोर जबरदस्ती की जा रही है सभी सुपर हीरो अपनी जगह फिट बैठते हैं एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के धमाकों के बीच इन दिग्गज हीरो की आपसी संवाद मज़ेदार है इनमें से कोई को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं है वे आपस में ही टकरा जाते हैं लेकिन जब पता चलता है कि सभी की लड़ाई थनोस के विरुद्ध है तो वे एक हो जाते हैं फिल्म बहुत तेज गति से चलती है और ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं देती कुछ जगह इधर उधर भटकती है कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे भी हो गए हैं जैसे थानोस और उसकी बेटी गमोरा के बीच के दृश्य फिल्म की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ है ऐसा लगता है मानो हम किसी फिल्म को बीच से देख रहे हैं लेकिन एक मिनट की अवधि लंबी फिल्म में ज़्यादातर समय इसकी चमक बरकरार

क्रिस हैमर्स मार्क राफेलो क्रिस ओवानस स्कारलेट जोहसन जोस बर्लिन टॉम हाल जैसे दमदार कलाकार हैं जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हैं सभी को ठीक ठाक स्क्रीन टाइम देने की कोशिश निर्देशकों ने की है हालांकि सुपर हीरो के कुछ फैंस को शिकायत हो सकती है कि उनके प्रे कैरेक्टर को कम समय दिया गया है लेकिन इसमें निर्देशक की कोई गलती नहीं है वैसे बिलन जोश लुब्रिन ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर नजर आते हैं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ढाई घंटे बाद भी मन नहीं भरता तथा और पाने की ख्वाहिश रहती है फिल्म में पूरा मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ ताकतवर थे से मुकाबला करने उतरता है क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की धमकी दी है वह एक एक करके सभी ग्रहों पर कब्जा करने लगता है तब सारे मिलकर उसे एक रोकने का फैसला करते हैं। सुपर हीरो फिल्म जॉनर में बिना संदेह कहा जा सकता है कि अवेंजर्स वार एक बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म है यह भारत में हॉलीवुड की सबसे बड़ी रिलीज बनने जा रही है फिल्म ने प्री सेल के मामले में बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था दिल्ली एनसीआर में इस फिल्म के पंद्रह सौ से ज्यादा शो एक साथ चले थे मार्बल स्टूडियो अपने सभी फिक्शनल हीरोज को एक साथ पहली बार स्क्रीन पर लाने के लिए दस साल से ज्यादा मेहनत की थी इस फिल्म के लिए मार्बल स्टूडियो में भारी भरकम मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया था हालांकि बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी थी और जवाब है हाँ इस फिल्म में आपके सभी ही सुपर हीरो पूरी फॉर्म में दिखाई देंगे कोई भी सुपरहीरो फिल्म में छोटा नहीं दिखाई देगा फिल्म के स्क्रीन प्ले के लिए क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिली की तारीफ की जानी चाहिए फिल्म में काफ़ी एक्शन के साथ साथ आपको कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को भी मिलती है फिल्म को पूरे बैलेंस के साथ बनाया गया है कि पूरे ढाई घंटे तक दर्शकों की इसमें रुचि बनी रहती है फिल्म में एकमात्र बिलंत थेनोस की भूमिका को काफी मजबूत बनाया गया है और किरदार के साथ पूरा न्याय किया गया है फिल्म में उससे मुकाबला करते हुए कई बार सुपर हीरोज भी ताजुब में पड़ जाते हैं अगर आपने पिछली अवेंजर मूवी देखी है तो जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म को मिस ना करें वाकांडा पर सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है थानोस खुद नहीं है लेकिन उसकी सेना ही अवेंजर्स पर भारी पड़ रही है थार थानोस को मार सकने वाला हथियार स्ट्रोम ब्रेकर बना चुका है फिल्म में आयरन मैन और स्पाइडर मैन के बीच कमाल की कॉमेडी दिखाई गई है स्पाइडर मैन को इस फिल्म में ऑफिशियली एवेंजर्स मान लिया गया है और स्पाइडर मैन का नया शोटो से मिल गया है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में एक से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इनफिनिटी स्टोन में से एक सोल स्टोन कहाँ छिपाया गया है इस स्टोन का पता चलते ही थानोस किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकता है फिल्म में गमोरा का किरदार भी अहम है दरअसल गमोरा को मालूम है कि इन्फिनिटी स्टोन में से एक सोल को कहाँ छिपाया गया है थानोस का लक्ष्य है कि यूनिवर्स की आधी लाइफ खत्म कर दी जाए इससे यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्स कम लोगों पर खर्च होंगे अवेंजर्स अब तीन हिस्से में बढ़ गए हैं आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन ये थानोस के पीछे उससे लड़ने जा रहे हैं धरती पर वकांटा में कैप्टन अमेरिका ब्लैक बिडो ब्लैक पैंथर हल्क विंटर सोल्जर एक आर्मी बना रहे हैं वही थार और ग्रोट और राकेट थार के लिए एक हथियार ढूंढने गए हैं ताकि वे नए हथियार से थानों से लड़ सके फिल्म अमेरिका में रिलीज हो चुकी थी इसे देखने के बाद ट्विटर पर दर्शकों ने तरह तरह के रिव्यूज दिए थे इन इनमें से कुछ ऐसे रिव्यूज हैं जिन्हें देखकर हंसे बिना मन नहीं करेगा हर हीरो के एंट्री के साथ हाल में सीटियाँ बज रही थी थानो से लड़ने के लिए कैप्टन अमेरिका वकांडा में गर्मी बना रहा था वकांडा ब्लैक पैंथर का देश है अवेंजर्स के सामने अब तक थानो जैसा बिलन पहले कभी नहीं आया था फिल्म के आधे घंटे में दो सुपर हीरो हेमडाल और लोकी मर चुके हैं आयरन मैन स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को थानोस के बेटे ही हरा देते हैं अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी थानोस के कब्जे में है एवेंजर्स इंफेंटिव वार के रिलीज के पहले ही दिन फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में जुटी दर्शकों की भीड़ फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा था एवेंजर्स इंफेंटी वार में हाल और हेम्सवर्थ के साथ दर्जन भर से ज्यादा ए लिस्ट कलाकार मौजूद थे जिनमें आयरन मैन ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कि जो सलदाना भी मौजूद है फिल्म के पहले ही सीन में हल्क को थानोस ने मार मारकर अधमरा कर दिया और अपनी ताकत का परिचय दे दिया थार और हल्क मिलकर भी थानोस से नहीं लड़ पाए और लोकी को थानोस ने मार दिया फिल्म और थ्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर बताया कि फिल्म की अब तक की बुकिंग ऐतिहासिक रही है भारत में फिल्म 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है इन्फेंटी स्टोन्स यूनिवर्स के निर्माण के दौरान बने थे और इनमें यूनिवर्स पर कंट्रोल करने की ताकत है थानूज को यही पत्थर चाहिए ताकि वो आधे यूनिवर्स को मिटा सके सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार सत्ताईस अप्रैल को भारत में रिलीज हुई थी लंबे समय से इस फिल्म के इंतज़ार में बैठे दर्शकों में से इससे लेकर खासी एक्साइटमेंट थी ढाई घंटे की इस फिल्म में जिस तरह से तमाम सुपर हीरोज़ को एक साथ लाया गया है उसे देखना अपने आप में अद्भुत और विश्वसनीय है आप अब तक फिल्म में थानोस की ताकत का जलवा नजर आ रहा था जिसके आगे बाकी सारे सुपरहीरो कमजोर पड़ते दिख रहे थे फिल्म के आधे घंटे में ही थानोस ने हेमटन और लोकी को मार गिराया है जहाँ तक सिनेमाघरों की बात है तो सुबह सवेरे से, से ही सिनेमाघर के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी दर्शकों की इस भीड़ में बच्चे भी थे और युवा भी। भीड़ को काबू में करने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे फिल्म का पहला शो पहला ही शो हाउसफुल घोषित कर दिया गया था ऐसे में एक इस एक्साइटमेंट की मोटी कमाई में बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी फिल्म ट्रेडर एनालिस्ट रमेश बाला की माने तो फिल्म भारत में पहले ही दिन करीब तीस करोड़ रुपए कमा सकती थी अगर आप भी ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे तो बता दें कि दिल्ली से सटे नोएडा में आई एम टिकटों के दाम करीब पाँच सौ रुपये से एक हज़ार रुपये के बीच थे वहीं मुंबई और बेंगलुरु में यह कीमत सात सौ रुपये से आठ सौ रुपये के बीच थे वीकेंड की सारी टिकटें बिक चुकी थी अवेंजर्स इन्फिंटी वार का लंबे समय से मार्बल कॉमिक्स के सुपर हीरो फैंस इंतजार कर रहे थे इतने ढेर सारे सुपर हीरो को इससे पहले कभी नहीं देखे गए इसके साथ ही थनोज जैसा खतरनाक और धांसू बिलन भी अभी तक सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा गया जिससे खत्म करने के लिए सारे के सारे सुपर हीरो का एक हो गए हैं फिर भी वह उन्हें नाको चन्नी चबाने के लिए मजबूर कर हैं।